क्योंकि ऐसे तो जाने Good evening, ladies and gentlemen. We'll start the program in next few minutes. I request all the team members to please invite your friends, your college mates, your batch mates to join this program, and we'll be live in next few minutes. Thank you so very much. गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने टीम मेंबर्स, फ्रेंड्स को जल्दी से इनवाइट कर लीजिए ऑन द जूम प्लेटफॉर्म। जूम प्लेटफॉर्म पे आप सभी अपने टीम मेंबर्स को इनवाइट कर लीजिए जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, सो दैट अगले एक से दो मिनट में बाय 5:11 वी विल स्टार्ट द प्रोग्राम। हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। आई रियली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज आस्क योर टीम मेंबर्स टू ज्वाइन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। थैंक यू सो वेरी मच। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं सिद्धार्थ चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज के इस प्रोग्राम में। और आज का प्रोग्राम, आज की वर्कशॉप, हम आज इस नई वर्कशॉप को आप सभी के बीच में लेकर आए हैं। हम शुरू करने वाले हैं अपना एक नया दौर, एक नया प्रोग्राम जिसमें आप सभी बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ समझेंगे, और स्पेशली हमारी यंग जनरेशन के लिए, यू 35 के लिए किस तरीके से वो अपने आप को और बेहतर
और जबरदस्त तरीके से तैयार कर सकते हैं, फ्यूचर रेडी कर सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में आप इस प्रोग्राम में जानेंगे। बेसिकली मैं सिद्धार्थ चौधरी आप सभी को इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा विस्तार में समझाना चाहता हूँ। और इस प्रोग्राम को क्योंकि मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म को शेयर कर रहे हैं मेरे कलीग मेरे बड़ी मिस्टर कौतक सिंह चीमा, उन्हें एक बार मैं इन्वाइट करना चाहूंगा, देन विल स्लाइटली टॉक अबाउट दिस प्रोग्राम। सो कौतक, अ वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ, एंड यहाँ पर सभी हमारे पार्टिसिपेंट्स को प्यार भरी नमस्कार। मैं कौतिक चीमा नॉर्थ रीजन मार्केटिंग टीम से बिलोंग करता हूँ, एंड सिद्धार्थ आई एम रेडी फॉर दिस युवा वे प्रोग्राम, क्योंकि आई थिंक यूथ की जब हम बात करते हैं, ऑल द एनर्जी एंथुसियाज्म जो शेयर करते हैं, स्पेशली एमवेआईज की अगर बात की जाए, तो एमवे से जुड़े एमवे बिजनेस ओनर्स लोगों को मदद कर रहे हैं टू लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल, उसमें अगर यूथ का कंट्रीब्यूशन देखे तो बहुत ज्यादा है। और वहीं पे अगर हम ये प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जिसमें 360 डिग्री एक होलिस्टिक अप्रोच से हम लोगों को ग्रूम कर पाए और मैक्सिमम इस प्रोग्राम से निकाल पाए, तो दैट बी द बेस्ट प्रैक्टिस आई थिंक। सो वी आर ऑल सेट एंड आई थिंक वी आर रेडी फॉर टूडेज फर्स्ट प्रोग्राम। सो सिद्धार्थ ओवर टू यू। या थैंक यू सो मच कौतक, एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं थोड़ा सा आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ युवा वे, कि युवा वे जो हमारा वर्कशॉप प्रोग्राम है आप सभी के लिए उसमें क्या खास है, कैसे है। बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किया है अभी तक, बट यदि आप में से लोगों ने रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन हमारी टिल वेंसडे तक ओपन रहेंगी। तो उसमें कैसे रजिस्टर करना है आज आपको मैं टूवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम बताऊंगा, बट लेट्स टॉक अबाउट कि युवा वे है क्या, राइट, थॉट क्या है युवा वे के बिहाइंड में। सो बेसिकली युवा वे एक ऐसी वर्कशॉप है जिसे नॉर्थ मार्केटिंग टीम ने इनिशिएट किया, जिसमें हमने हमारे यंगस्टर्स को, यानी आप सभी जानते हैं इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन, इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन इज U35, राइट, और स्टार्ट्स भी यही कहते हैं कि आने वाले समय में हमारा जो मेडन एज पीरियड है दैट विल बी 28 ईयर्स, राइट, ताकि जो हमारे जितने यंगस्टर्स हैं वो 28 साल की एज ग्रुप हमारे यहाँ पे एवरेज रहेगी जो हमारा आने वाला टाइम है और एक दो सालों में। सो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने आप को सोशल मीडिया के जरिए, अपने इंटरेस्ट के जरिए और साथ ही साथ अपनी पर्सनल ग्रूमिंग के जरिए अपने लाइफस्टाइल को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल को 360 डिग्री चेंज करें, जैसा ही कौतक ने मेंशन किया। तो हम सभी ने कोशिश करी कि हमने कॉन्सेप्चुलाइज आप सभी के लिए किया है, क्योंकि युवा, यंगस्टर, युवा को वर्ड को वहां से उठाया और आप सभी जुड़े हैं और मैं भी जुड़ा हूं एक ऐसे ब्रांड के साथ जो मदद करता है लोगों को बेटर और हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करने, दैट इज एमवे। तो आप सोच के देखिए युवा शब्द को और एमवे को जब हमने मिलाया तो द वर्ड निकला युवा वे, राइट, और युवा वे इज ऑल अबाउट कि यूथ किस तरीके से अपने आप को बनाना चाहता है, ये कॉन्सेप्ट हमने तैयार किया आप सभी के लिए युवा वे का। और बेसिकली आप इन वर्कशॉप्स के जरिए अपनी टीम में यंगस्टर्स, जितने भी आपकी टीम में U35 यंगस्टर्स हैं, उन्हें आप इस प्रोग्राम के जरिए ट्रेन कर सकते हैं, उन्हें तैयार कर सकते हैं, उनकी पर्सनल ग्रूमिंग कर सकते हैं। देखिए आप और मैं बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं जहां पे हम यंगस्टर्स की बात करते हैं, जहां पे हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, ब्रांड्स की बात करते हैं, जहां पे हम बात करते हैं कि कैसे प्रोडक्ट को सेल करना है, कैसे नए कंज्यूमर्स तक पहुंचाना है। बट मुझे और हमारी टीम में एक थॉट आया कि क्यों ना हम कुछ डिफरेंट लेकर आए आप सभी के लिए, कि क्यों ना हम ऐसी वर्कशॉप्स आप सभी के लिए डिजाइन करें जहां पे आप मॉड्यूल वाइज कुछ नया सीखें, जो कि हटके हो प्रोडक्ट से, जो कि हटके हो आपकी डेली लाइफस्टाइल से, क्यों ना आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे हम काम करें। तो यही हमारा थॉट प्रोसेस है इन वर्कशॉप्स के जरिए। ये टोटल 6 वर्कशॉप्स हैं, इट्स 6 वर्कशॉप्स में आपको अलग अलग कंटेंट मिलेगा, एक एक दिन की वर्कशॉप रहेगी, हर वर्कशॉप में आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। और आज इस वर्कशॉप में हमने जो हमारा आगे शुरुआत कर रहे हैं, राइट, वो हम कर रहे हैं सोशल मीडिया से, राइट, कि किस तरीके से सोशल मीडिया, यानी कि आप किस तरीके से आज के समय में किसी के सामने भी सोशल मीडिया वर्ड यूज करो तो इंस्टाग्राम हर किसी के माइंड में आ जाता है कि अच्छा इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम, ओके, सो इंस्टाग्राम क्या है, इंस्टाग्राम पे किस तरीके से हम अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रोफाइल ऑलरेडी बिल्डअप की होगी, बट उस प्रोफाइल में क्या चेंजेस की जरूरत है, किस टाइप का कंटेंट होना चाहिए, कैसे आपकी सोशल मीडिया पे आपकी पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए, आज इस वर्कशॉप के जरिए हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस
टॉपिक को बहुत ध्यान से सुने, इस वर्कशॉप को बहुत ध्यान से समझे, ताकि आपको सोशल मीडिया जर्नी में आपकी मदद करे। और मैं कभी भी ये नहीं कहता कि अच्छा आपको इस वर्कशॉप से सब कुछ समझ आ जाएगा, ट्रस्ट मी शायद कुछ समझ ना भी आए, बट वो एक शब्द होता है ना सोशल मीडिया, क्या है सोशल मीडिया, किस तरीके से आप अपने आप को बिल्डअप कर सकते हो, एक विजन तैयार होता है। और डेफिनेटली आमे बिजनेस इज ऑल अबाउट हेल्पिंग पीपल ए बेटर एंड हेल्थियर लाइफ, और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हो, आप लोगों से आमने सामने मिल रहे हैं, लोगों के घर जाके बात कर रहे हैं, और क्यों ना सोशल मीडिया पे जो आप खुद हैं, लेट सपोज मैं आप में से कुछ कुछ लोगों को हाईलाइट करना चाहूंगा, लेट सपोज यहाँ पे आई कैन सी अनिल कुमार खत्री जी, आई कैन सी एस के गुप्ता जी, राइट, आई कैन सी ए पी गुप्ता जी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, अर्पित भार्गव जी मैं देख रहा हूँ, सुष्मिता मैम को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिनको, विपुल मल्होत्रा जी को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, सो देर आर सो मेनी पीपल जो कि इस समय मेरे सामने ऑन स्क्रीन है, अनिल एंड गरिमा जी को देख रहा हूँ। सो अब आप सोच के देखिए, आप इंडिविजुअली आप सभी की एक पर्सनैलिटी है, आप इस पर्सनालिटी को जब आप सोशल मीडिया पे प्लेस करते हैं तो डेफिनेटली क्या होता है कि जो आप डेली रूटीन में कर रहे हैं, जैसे आप क्या खा रहे हैं, आप किस टाइप का वर्कआउट कर रहे हैं, आपका किस टाइप का कंटेंट है, वो जब आप अपनी सोशल मीडिया पे प्रोफाइल बिल्डिंग करते हैं तो उस प्लेटफॉर्म के जरिए भी जो इतनी बड़ी जनता है सोशल मीडिया पे वो आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है। और देखिए सोशल मीडिया कभी भी एक शॉर्ट टर्म नहीं है, ये ऐसा नहीं होगा कि शॉर्ट टर्म सक्सेस नहीं है कि आपने आज शुरू किया कल आपको रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। सोशल मीडिया इज अ वेरी वास्ट टॉपिक जिसके लिए आज मैं एक्सपर्ट्स को आप सभी के बीच में लेकर आ रहा हूँ इस स्पेशल वर्कशॉप में, राइट। सो कौथक, वुड लाइक टू इनवाइट आवर एक्सपर्ट फ्रॉम द हेड ऑफिस टीम जो कि आज इस प्लेटफॉर्म पे आकर बात करेंगे और शुरुआत करेंगे सोशल मीडिया जर्नी की। सो कौथक, वेरी वार्म वेलकम, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ, एंड विदाउट एनी अडू आई वुड रिक्वेस्ट हमारे साथ डायरेक्टली हेड ऑफिस एमवे टीम से श्री रूपा जुड़े हैं जो कि क्रिएटर्स को संभालती हैं, और क्रिएटर्स टीम बहुत ही वाइटल टीम है हमारी कंपनी की, और आप जानेंगे यहां से कितने हमारे बेनिफिट्स हमें मिलने वाले हैं स्पीक से। तो विदाउट एनी अडू आई वुड रिक्वेस्ट श्री रूपा टू कम ऑन द वर्चुअल स्टेज, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज ऑन द वर्चुअल चैट बॉक्स जो हमारे साथ जूम पे जुड़े हैं, यूट्यूब पे जुड़े हैं, लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए। एंड श्री, वेरी वार्म वेलकम टू यू, ओवर टू यू। Thank you, Kautab. Thank you, Sid. I think it's a phenomenal start that you guys just did. और जितना मैंने सिद्धार्थ को सुना अभी, इतना holistically ये program आप लोगों ने सोचा हुआ है that it's just not one part, it's not social media alone, but an holistical understanding की youth को हम कैसे support करें. It's a real big honor to be associating with you guys today and starting this session. So what I'll do is I'll quickly move to the very important topic, जो कि आज का टॉपिक है, which is on social media. So just give me 1 minute to share my screen. Kautak, I hope my screen is visible, right? Yes, Shri. Okay. So जब हम युवा की बात करते हैं आज के डेट में, सोशल मीडिया उसके साथ अपने आप जुड़ जाता है, हमें सबको पता है. But what we'll try to do and answer today are these 4 important questions. पहली बात है कि सोशल जो लैंडस्केप की हम बात करते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हम सब उसमें है, बट जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग जो आज शायद पहली बार ये सोशल मीडिया के सेशन अटेंड कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, या फिर जिनको और कोई डाउट है कि सोशल मीडिया अचानक से इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वील ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन. सेकेंडली, ठीक है सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे लिए एज एन एबीओ, एज एन एमवे बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है या फिर हम उस पर क्यों आए, हम उस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे. उसके बाद जस्ट अ लिटिल बिट ऑन हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी ऑन सोशल मीडिया. सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब आप सोशल मीडिया पर स्टार्ट करोगे तो क्या पैशन होने चाहिए, क्या इंटरेस्ट से शुरू करना चाहिए, कौन सा पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग होनी चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और जो फोर्थ टॉपिक है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि हम पूरे इंस्टाग्राम के बारे में बात करेंगे, आप उसमें क्या फीचर्स है, आप कैसे आ सकते हो. एंड वी हैव अ रियली गुड स्पीकर विद अस टुडे फ्रॉम आवर एजेंसी पार्टनर, जिनको मैं आफ्टर अ कपल ऑफ मिनट्स इंट्रोड्यूस करूंगी. सो जस्ट टू डीप डाइव ऑन द फर्स्ट पॉइंट दैट व्हाई इज सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट. आज जितने भी लोग यहाँ पे है, ये युवा वे का प्रोग्राम है, सो आई एम अज्यूमिंग कि मैक्सिमम विल बी U35. सो ये जो 16 to 35 एज ग्रुप है, आज के डेट में हम सब सोशल मीडिया पे है. और ये एज ग्रुप सोशल मीडिया में करता क्या है, दे आर स्पेंडिंग मोर देन 2.5 आवर्स एवरी डे, राइट. रोज सोशल मीडिया पे होते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं, उस अलग अलग चीज में क्या होता है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एंटरटेनमेंट. पीपल आर गोइंग ऑन सोशल मीडिया
डिस्कवर के लिए, न्यू प्रोडक्ट्स ढूंढने के लिए, नए सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए, न्यूज जानने के लिए, लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए. सो दिस मीडियम इज बीइंग यूज्ड फॉर मल्टीपल रीजन. और आपको जान के ये हैरानी होगी कि हम सोचते हैं कि चलो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, पर इंडिया में एवरेज यूथ 9 ऐसे प्लेटफॉर्म में, एवरेज यूथ अंडर द एज ऑफ 35, 9 ऐसे अकाउंट सबके पास होते हैं. दैट इज द एवरेज नंबर पब्लिश. मतलब लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वी आर एवरीवेयर, राइट? युवा सब जगह पे छाए हुए हैं एंड मल्टीपल चैनल से लोगों के साथ अलग अलग जरिए से कनेक्ट कर रहे हैं. सो दैट इज हाउ बिग इट इज, नॉट अबाउट वर्ल्ड वाइड, इंडिया में भी दैट इज हाउ बिग सोशल मीडिया हैज बिकम. बट सिर्फ बड़े की बात नहीं है, कितना जल्दी ये फैल रहा है और कितना जल्दी सोशल मीडिया अडॉप्ट हो रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. हमने अगर हम टीवी की बात करें, टीवी जब लॉन्च हुआ था उससे 38 साल लगा था 50 मिलियन लोगों तक पहुंचने के लिए. 50 मिलियन लोगों को वो टीवी अडॉप्ट करने में 38 साल लग गए थे. वही, सॉरी, रेडियो को, टीवी को उसी में 13 साल लगे थे. टीवी टुक 13 ईयर्स. इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया ऑन दी अदर हैंड जस्ट टुक 1.5 ईयर्स. मतलब जो चीज रेडियो ने 38 साल में किया था 50 मिलियन लोगों तक पहुंचने के लिए, इंस्टाग्राम ओनली इन 1.5 ईयर्स 50 मिलियन यूजर्स तक पहुंच चुका है. आपको, एंड इट इज अ कनेक्टेड वर्ल्ड, राइट? हम सिर्फ सोशल मीडिया की बात करते हैं, ये जो पावर ऑफ इंटरनेट है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की आप बात करें तो यहाँ पे सारे, आई थिंक अगर युवा है मैक्सिमम आप लोग शायद 90s में बड़े हुए होंगे, या a lot of you have born on in 90s. So अगर हम 90s की बात करें, एक बाहर की जो हम हॉलीवुड मूवीज बोलते हैं, शायद टाइटैनिक इज द ओनली मूवी दैट वी कैन थिंक थ्रू कि सारे 90s में वो स्कूल में वो इतना बड़ा मूवी आया था, दैट वॉज टाइटैनिक. वही आज का डेट आप देख लो, आज के डेट में एक नई मूवी आई है स्पाइडरमैन, आई डोंट नो कितने लोगों ने देखा होगा पर आपने जरूर सुना होगा. 2021 में वो इंडिया का सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है, विच मींस ये जो पावर ऑफ इंटरनेट है वो सारे ज्योग्राफीज को ब्लर कर रहा है, वो सबको एक साथ कनेक्ट कर रहा है, एंड दैट इज द पावर ऑफ दिस मीडियम. द अदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, कोई भी आप ऐसे मीडियम उठा लो, आप न्यूज़पेपर उठा लीजिए, आप टेलीविजन उठा लीजिए, आप रेडियो उठा लीजिए, ऑल ऑफ देम आर वन वे कम्युनिकेशन. जिसका मतलब क्या होता है कि टीवी में आप देखते हो, आप टीवी में जाके कमेंट नहीं कर सकते. यू विल अंडरस्टैंड, आप देखोगे, यू विल शेयर इट विद समबडी जो आपके साइड में बैठा हुआ है. सोशल मीडिया इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पे आज के डेट में आपको टू वे कम्युनिकेशन का जरिया दिया गया है. और ये चीज मैं इसीलिए इतनी बार मेंशन कर रही हूँ क्योंकि कभी कभी ना हमारे को रोज के जीवन में ये रियलाइजेशन नहीं होता है कि हम कितना इस पे डिपेंडेंट हो गए हैं. और जब तक ये रियलाइजेशन नहीं होता है, वी डोंट अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटी विच इज रिलेटेड टू इट, राइट? नाउ सोशल मीडिया इज वेरी बिग, इट इज स्प्रेडिंग वेरी फास्ट. द बिगर पॉइंट इज, सोशल मीडिया पे इतने लोग कर क्या रहे हैं? सो हम सोचते हैं कि ठीक है, एंटरटेनमेंट है, न्यूज पढ़ लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं, बट अगर आप कंज्यूमर बिहेवियर और इवॉल्विंग कंज्यूमर बिहेवियर ट्रेंड्स आप देखो तो सोशल मीडिया आज के डेट में बहुत बड़ा जरिया है जहां पे लोग प्रोडक्ट्स सर्विसेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उन पे रिसर्च कर रहे हैं और उनका परचेज भी कर रहे हैं. सो इट्स लाइक देयर इज अ ह्यूज बेस ऑफ कंज्यूमर हु इज सिटिंग ऑन सोशल मीडिया जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, आप टैप इन कर सकते हो. सोशल मीडिया को ये अपने पे डिपेंड करता है हम उस मीडियम को कैसे अच्छी तरीके से समझे और यूज करें. शुड वी यूज इट फॉर एंटरटेनमेंट और डू वी अंडरस्टैंड दैट अपॉर्चुनिटी एंड टैप इनटू मोर कंज्यूमर्स एंड रीच इनटू मोर कंज्यूमर्स. सो दैट इज द बिगर पॉइंट हियर. द अदर थिंग इज व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल मीडिया, जो क्वेश्चन में बोल रही थी कि सोशल मीडिया बड़ा है, हम सब है, हम समझते हैं, बट एमवे के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है एंड हाउ डज इट फिट इन टू एमवे? दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, राइट? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एमवे और सोशल मीडिया में जो हम बोल रहे हैं कि कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, आप लोगों के, नए लोगों के साथ जाके कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हो. सी, मेकिंग कनेक्शंस हैज नेवर बीन, इट्स नॉट एलियन टू एमवे, राइट? कनेक्शन इज द हार्ट बीट ऑफ एमवे. आप लोग, जितने भी लोग यहाँ पे है, You guys are masters in building relationship. आपको आपके टीम के साथ, अपने आसपास के साथ, you guys have built a very, very strong relationship. The only difference is कि आज के डेट में वो relationship हम कहाँ बनाए,
इज इट ओनली ऑन द ऑफलाइन स्पेस, या क्योंकि कंज्यूमर डायनामिक्स इतना चेंज हो रहा है और हमें ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, क्या हम सोशल मीडिया को भी यूटिलाइज कर सकते हैं कि नहीं? दैट इज द ओनली रीजन एंड वेयर दिस एंटायर आइडिया फिट्स इन सो वेल, राइट? नाउ ये क्यों हो रहा है एंड हाउ डू वी फिट इन टू इट? देर आर टू ट्रेंड्स टू इट. अगर आप आज देखें, देर आर टू कंज्यूमर ट्रेंड्स. एक कंज्यूमर ट्रेंड है जो कि हम बोलते हैं वर्क प्लेस फ्लेक्सीबिलिटी. वर्क प्लेस फ्लेक्सीबिलिटी का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा जो युवा है वो कहीं पे भी बैठ के कहीं से भी काम करने में इंटरेस्टेड है. ऐसा नहीं है कि मेरा इतना से इतना टाइम ऑफिस है, मैं यहीं पे जाऊंगा, यही करूंगा, आई विल मूव इन दिस विसिनिटी ओनली. नो, फ्लेक्सीबिलिटी इज समथिंग दैट द यूथ ऑफ टुडे डिमांड्स. द सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंड जो है वो है कि आज के डेट में बहुत सारे ऐसे युवा है जो अपने पैशन को फॉलो करके, अपने जो इंटरेस्ट है उसको फॉलो करके बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं एट फ्रॉम एनी ज्योग्राफी इन दिस वर्ल्ड एंड दे आर डूइंग ऑल दिस थ्रू सोशल मीडिया. और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इट्स लाइक अ सिंपल, हमारा जो बिजनेस है वो यू हैव अ ब्रांड, यू हैव प्रोडक्ट्स, यू आर पैशनेट अबाउट फॉलोइंग सम हेल्दी लाइफस्टाइल. ये एक इजी फिट इन है कि हम सोशल मीडिया को कैसे उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं. सॉरी फॉर दैट. सो एक सिंपल एग्जांपल मैं यहां पे लेती हूं. दिस पर्सन इज जू जिन रू. जू जिन रू चाइना के एक एबीओ है जिन्होंने 2014 में एबीओशिप एमवे को ज्वाइन किया था. बाय 2020 शी बिकेम एन ईडीसी और वो ईडीसी बने only by the power of building a very sustainable healthy living community on social media. वो अपने टीम के साथ हेल्दी लाइफ स्टाइल को, न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट को एज अ जरिया बना के रोज लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट करके उनके पास प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन, हेल्दी लाइफ स्टाइल का इंफॉर्मेशन स्प्रेड करके, शेयर करके उन्होंने पूरे अपने बिजनेस को बिल्ड किया है. एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट चाइना. इफ यू सी हियर इन इंडिया, क्लोजर होम, वी हैव मेनी मेनी सच एग्जाम्पल्स. जब हमने क्रिएटर्स प्रोग्राम को लॉन्च किया था 2019 में हमने पायलट किया था, तब प्रमिला हमारे साथ ज्वाइन किए थे. शी वेंट फॉर द इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑल्सो और उन्होंने अपना शुरुआत किया था सिर्फ 500 फॉलोअर्स से. आज उनके पास देर आर मोर देन 1 लाख फॉलोअर्स एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट द 1 लाख फॉलोअर्स. ये 1 लाख फॉलोअर्स वो लोग हैं, जब उनके पास 20,000 फॉलोअर थे तब भी ये फॉलोअर्स वो है जो उनको फॉलो करते हैं अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के पैशन के लिए, जहां पे वो रेसिपी शेयर करते हैं, किड्स हेल्थ के बारे में शेयर करते हैं एंड देन शी सडनली इंटीग्रेट्स प्रोडक्ट्स. सो ज्यादा से ज्यादा लोग उनके पास वो जुड़े हैं जिनके साथ वो आज के डेट में बिजनेस करने का एक बहुत बड़ा जरिया बना चुके हैं. सिमिलरली इट इज विद सतीश. सतीश हैज नॉट ओनली यूज्ड वन सिंगल प्लेटफॉर्म, उन्होंने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पावर एक साथ यूटिलाइज करके एक इतना स्ट्रांग यूथ कनेक्ट बनाया है कि आज there's a lot of youth who are associating with him. उन्होंने Facebook को every, जो जितने भी social medias होते हैं, जितने भी ये platforms होते हैं, सबके अलग अलग features होते हैं. उन्होंने Facebook को, YouTube को, Instagram को, WhatsApp को, सारे को अपने feature के हिसाब से utilize करके he has been building his own business. And I think Reshape Nation के बारे में आप लोगों ने यहाँ पे बहुत जनों ने सुना है. It is a community of more than 2 lakh people, जो कि ये एक वेट लॉस और हेल्दी लाइफस्टाइल कम्युनिटी है. ये सारे जितने कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स की मैं बात कर रही हूँ, सब ने पावर ऑफ सोशल मीडिया के अर्ली अडॉप्टर्स है. अर्ली अडॉप्टर्स मतलब जब उनको ये लोग जल्दी इसको अडॉप्ट किए हैं, उनको समझ में आया है एंड दे हैव बीन यूटिलाइजिंग इट ब्यूटिफुली, राइट? बट दैट डज नॉट मीन दैट दे आर दी अर्ली अडॉप्टर्स, सिर्फ वही करेंगे. हमारे पास बहुत बड़ा जरिया है, सोशल मीडिया सबके लिए है. यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब क्रिएटर्स है और एनीबडी एनीवेयर कैन बिकम अ क्रिएटर जस्ट बाय फॉलोइंग सम सिंपल रूल्स और यू कैन से दैट सिंपल लर्निंग. सो सोशल मीडिया पे आप जब फाइनल क्वेश्चन आता है कि सोशल मीडिया पे आप जब अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे तो व्हाट आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. पहली बात है, सोशल मीडिया पे लोग आपके साथ आके कनेक्ट करते हैं. कोई भी प्लेटफॉर्म आप देख लीजिए, अगर आप यूट्यूब में जाते हैं या फिर इंस्टाग्राम में जाते हैं, स्पेसिफिकली अ प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम, लोग आपके साथ कनेक्ट करते हैं क्योंकि वो आपका जो पैशन है, आपका जो इंटरेस्ट है या आपका जो स्पेशलाइज्ड फील्ड है
उसके बारे में जब आप कुछ शेयर करते हो तो सेम इंटरेस्ट के लोग आके आपसे जुड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कुकिंग, न्यूट्रिशियस कुकिंग मेरा पैशन है और मैं उसके बारे में बात करती हूँ, तो लोग जो इंटरेस्टेड है उस न्यूट्रिशियस कुकिंग में, ज्यादा से ज्यादा वो लोग मुझे फॉलो करेंगे। एज एन एग्जाम्पल, प्रमिला ने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो उनका रेशियो कितना था फॉलोअर्स का, 50-50 मेन एंड वुमेन, राइट? बट शी अंडरस्टूड कि मुझे बहुत स्पेसिफिक होना है मेरे डिलीवरी में। तो आज के डेट में, क्योंकि वो मदर, खुद मदर है, खुद न्यूट्रिशन और किड्स न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं, दैट इज व्हाई टुडे हर फॉलोअर्स आर मोर देन 90% आर वुमेन। सो ये जो चीज है कि इंटरेस्ट के हिसाब से लोग आके हमें फॉलो करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने पैशन या इंटरेस्ट से शुरू करें। एंड ऑब्वियसली कॉन्टेंट इज द किंग ऑन सोशल मीडिया, सो कंसिस्टेंटली हमें कॉन्टेंट डालना जरूरी है अपने पैशन रिलेटेड। नाउ व्हेन आई कम टू पैशन, आई विल क्विकली टेल दिस फैक्ट। एमवे पैशन में ये चार बहुत डिफाइंड पैशन है। वन इज हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी लिविंग, ब्यूटी, कुकिंग एंड एडवेंचर, राइट? सो हेल्दी लिविंग का मतलब क्या होगा कि कोई भी, अगर इफ यू आर समबडी हु इज वेरी मच, हु इज इनटू फिटनेस, हु फॉलोज योगा, हु फॉलोज अ वेल्दी वेलनेस लाइफ ओवरऑल, अच्छा खाना, एक्सरसाइज करना, डाइट मेंटेन करना, स्वस्थ रहना, वो आपका पैशन है, उस पर आपका इंटरेस्ट है, सो प्रॉब्ली यू आर समबडी हु फॉल्स इन द हेल्दी लिविंग कैटेगरी। अगर आपका इंटरेस्ट है ब्यूटी में, स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप सब में, सो प्रॉब्ली ब्यूटी, एंड सेम गोज फॉर कुकिंग एंड एडवेंचर। ये चार हमारे डिफाइंड पैशन कैटेगरीज इसीलिए है क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट है वो इन पैशन कैटेगरीज को सप्लीमेंट करते हैं, राइट? जैसे एक इंसान जो हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहा है, ही कैन ऑब्वियसली टुमारो गो एंड पिच। सो हेल्दी लाइफस्टाइल में वेट मैनेजमेंट आता है, तो प्रॉब्ली यू कैन पिच अबाउट बॉडी की। सो बहुत सटली और बहुत इजिली इंटीग्रेट हो जाता है। जितने भी हमारे हेल्थ प्रोडक्ट्स है, हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन है जो सबका फेवरेट है, इट्स लाइक वी ऑल हैव इट। सो ये एक नेचुरल फिट है। सो इसीलिए जरूरी है कि हम इन चार, जब हम प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हैं, इन चार जो हमारा पैशन कैटेगरीज है उसको ध्यान रखें। हमारे पास कभी कभी एक सवाल आता है कि माई पैशन इज फोटोग्राफी, कैन आई शो दैट ऑन सोशल मीडिया? द ओनली आंसर टू दैट इज दैट फोटोग्राफी, मेरे को भी बहुत पसंद है फोटोग्राफी, ऑनेस्टली, कॉन्टेंट क्रिएशन फोटोग्राफी, बट द पॉइंट इज, विल फोटोग्राफी हेल्प यू इन कन्विंसिंग और सेलिंग अ प्रोडक्ट लाइक न्यूट्रलाइट और आर्टिस्ट्री और एमवे क्वीन? नो। अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है, सो आप थोड़ा सा आप सोचोगे, जब आपका वेलनेस पे कॉन्सेंट्रेशन है या फिर आपके कुकिंग पे कॉन्सेंट्रेशन है, तब इसीलिए ये पैशंस डिफाइन करना इतना जरूरी हो जाता है, राइट? सो दैट इज जस्ट अ स्टार्ट ऑफ इट। अभी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे ज्यादा आई वुड से इंटरेस्टिंग पार्ट है, जहां पे बहुत ज्यादा आपके साथ इंटरेक्शन होगा, बहुत क्विजेस भी होंगे कि हम इंस्टाग्राम में अपने प्लेटफॉर्म में कैसे बिल्ड कर सकते हैं हमारा प्रोफाइल, उसके लिए आई विल sort of stop here and call upon our next expert speaker. So we have Ayush Chaudhary with us. Ayush is the expert speaker for us for social media. He's a social media expert. वो हमारे साथ बहुत time से जुड़े हुए हैं, इस social media के पूरे program को, creators के पूरे program को support करने के लिए. So without taking much time, I think I will hand it over to Ayush. Ayush, over to you. Shirupa, thank you. Thank you for that interesting introduction and introduction to entire social media. So to speak, and जब सिद्धार्थ ने बोला था कि you know आज का युवा कहाँ पर है और हम युवा तक कैसे रीच आउट कर सकते हैं, it was very much on point. And you know, points like where we talk about कि आज का युवा 19 different services minimum use कर रहा है, और इन सारी चीजों को सुनते हुए हमेशा लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ये सारी चीजें जान के हम इसको यूज कैसे करेंगे। सो टुडेज सेशन इज गोना बी ऑल अबाउट दैट। और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम ये समझें कि हमारा खुद का जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है उसको हम किस तरीके से सुधार सकते हैं। सो विदाउट टेकिंग इट मोर, व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन। आई होप यू गाइस विल बी एबल टू सी इट। Can you guys see it? Yes, we can see that. Thank you. Yes. Perfect. So
this is creators, and creator is basically anybody and everybody who is creating content with Amway and jo apna passion follow kar rahe hain, and they are going ahead creating content, reaching out to people, meeting more and more people. तो सबसे पहले हम लोग एक सिंपल सा नॉलेज चेक कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ये पता है कि यहाँ जितने भी लोग हैं उन्होंने एटलीस्ट लाइफ में एक या दो बार तो इंस्टाग्राम चलाया ही है. मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इंस्टाग्राम रेगुलर बेसिस पर चलाते हैं. एंड पहले मेरे थोड़ा गला खराब हो रहा है बिकॉज ऑफ द वेदर, सो प्लीज आई एम रियली सॉरी इन एडवांस. सो लेट्स स्टार्ट विद अ फ्यू क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर वन, इन चार ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा रीच किस ऑप्शन का है, लाइक विच इज द मोस्ट, विच इज द फॉर्मेट जो आपके कंटेंट को सबसे ज्यादा रीच देता है? फीड पोस्ट, स्टोरीज, रील्स, आईजीटीवी. सिद्धार्थ, कैन यू पुट ऑन द पोल द फर्स्ट वन? Kautha, can you please make me a host? Thank you. Sure, sir. Yep. Kautha, can you please do the polling for us? Just one second. Okay, I see people have started answering in the chat box which yeah. is nice, which is really nice. Phir bhi, let's have the poll because when the next poll will get. Right. So, Kautha, can you please raise the poll for us? Go to polls at launch. Yeah. Jo log option C likh rahe hai, okay. Okay. I think this will be a problem. Let's end this poll right now and let's have a poll like this only. I think people are more excited about the chat box, so let's keep it in the chat box right now. Okay. So a lot of people are saying reels, and yes, that is correct. Reels आपके content को सबसे ज्यादा लोगों तक इसलिए पहुंचाता है because when you're looking at a reel, ये जरूरी नहीं है कि आप सामने वाले को follow करते हैं. मतलब जब आपकी reel किसी और को दिखेगी तो it's not necessary कि वो लोग आपको follow कर रहे हैं. And इससे you get to meet more people, your content gets to see more people and you get to grab more eyeballs. उससे बहुत सारे benefits होते हैं. And सबसे important बात ये है कि जब आप trends follow करके reels बनाते हैं तो आपके रील उन्हीं लोगों को दिखते हैं जो आपके एग्जिस्टिंग फॉलोअर बेस से सिमिलर लोग हैं. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन चैट बॉक्स में आंसर डालेंगे. विच ऑफ दीज इज द मोस्ट इन्फॉर्मेटिव? इनमें अगर आपको किसी भी कंटेंट में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देना है तो इनमें से कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जा सकता है? ओके ठीक है, कुछ लोग फीड पोस्ट बता रहे हैं, कुछ लोग स्टोरीज बता रहे हैं, कुछ लोग रील्स बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं आईजीटीवी, व्हिच इज ग्रेट. ओके सिद्धार्थ, आई मस्ट से योर टीम हैज गुड पार्टिसिपेशन, लाइक दिस इज रियली इंटरएक्टिव. आई सी द चैट बॉक्स एंड इट्स फिल्ड, मेक्स मी रियली हैप्पी. ओके सो क्विकली द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आईजीटीवीज. रीजन वाई IGTV is so informative is because IGTV का लेंथ आपके पास सबसे ज्यादा होता है. आप कोई भी और फॉर्मेट लेते हो, रील्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू ईदर 30 seconds और 1 minute डिपेंडिंग ऑन योर अकाउंट. फीड पोस्ट में यू हैव स्क्रोल थ्रू का ऑप्शन, लेकिन बहुत कम लोग उसको स्क्रोल करते हैं. स्टोरीज विल रीच ओनली पीपल हु आर योर फॉलोअर्स एंड एट द सेम टाइम स्टोरी विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू दोस 30 seconds और 15 seconds, राइट? लेकिन IGTV में आपके पास बहुत सारा टाइम होता है, इसलिए आप सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में दे पाते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन चारों में से सबसे ज्यादा इंगेजमेंट बूस्ट करने के लिए कौन सा फॉर्मेट हमें यूज करना चाहिए? इंगेजमेंट बूस्ट करने के लिए, ओके ओके, बहुत सारे लोग रील्स बोल रहे हैं.
Okay, I see there is a tie between reels and stories from the comments that I am able to see. So the point is ki reels is not the right answer. The correct answer is stories. So why stories help you boost engagement is because जब आप स्टोरी डालते हो तो आपके वो फॉलोवर्स जिन्होंने आपका कंटेंट बहुत टाइम से नहीं देखा है वो भी आपकी स्टोरी पर एक बार के लिए दे गेट टू सी योर स्टोरी. इट्स ऑल एन एल्गोरिथम गेम. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कंटेंट डालते हैं हमारे पास 1000 फॉलोवर होते हैं लेकिन वो कंटेंट गया सिर्फ 100 या 150 फॉलोवर्स तक ही है, राइट? तो उसको इंक्रीज करने के लिए आप स्टोरीज का यूज कर सकते हो. बिकॉज जब आप स्टोरीज डालते हो तो स्टोरी यूजुअली लोगों को आपके सारे फॉलोवर्स को दिखती ही दिखती है. जब भी आप स्टोरी डालते हो तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिखता है जिसमें काउंटर चल रहा होता कि कितने लोगों ने ये स्टोरी देखी है, राइट? तो उससे आप ज्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं. एंड एट द सेम टाइम देयर आर वैरायटी ऑफ थिंग्स जो आप स्टोरीज के साथ कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका एंगेजमेंट इंक्रीज हो जाएगा. जैसे कि आप बहुत सारे स्टिकर्स डाल सकते हैं. कुछ स्टिकर्स के एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन पर है अभी. तो इन स्टिकर्स को यूज करके आप अपनी स्टोरी के अंदर एंगेजमेंट, मतलब जब कोई आपकी स्टोरी देख रहा है तब उसके अंदर ही एंगेजमेंट इंक्रीज कर पाते हैं. और उस इंक्रीज्ड एंगेजमेंट की वजह से इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम सोचता है कि आपका कंटेंट इज वेरी गुड और जिन जिन लोगों ने आपकी स्टोरी के साथ एंगेज किया उनको आपका कंटेंट दिखाते हैं. और एक बार उन लोगों तक आपका कंटेंट जाता है एंड सिंस योर कंटेंट इज एक्चुअली गुड, बाकी का सब कुछ मल्टीप्लाई हो जाता है. इसीलिए इंस्टाग्राम स्टोरीज यूजुअली अकाउंट्स के एंगेजमेंट को बहुत ज्यादा ग्रो करती है. और इन स्टिकर्स को आप अपने यूज केसेस के हिसाब से कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चाहिए कि लोग आपसे क्वेश्चंस पूछे रिगार्डिंग से, लेट्स से योर पैशन इज फिटनेस, तो अगर फिटनेस से रिलेटेड लोग आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप ये आस्क मी एनीथिंग वाला स्टिकर डाल सकते हैं. या फिर आप कुछ टाइम बाद खुद लाइव जाने वाले हैं या फिर किसी गेस्ट के साथ लाइव जाने वाले हैं या किसी फिटनेस एंथुजियास्ट के साथ लाइव जाने वाले हैं, तो आप ऐसा एक टाइमर सेट कर सकते हैं. उस टाइमर से क्या होता है कि लोग ना सेव करके इंस्टाग्राम आपके फॉलोवर्स को ये याद दिला देगा कि आपका लाइव सेशन अगले 5 मिनट बाद शुरू होने वाला है. इसी के साथ देयर आर अदर ऑप्शंस. आप क्विज खेल सकते हैं, लोगों को क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. सो इंस्टाग्राम स्टिकर्स में अभी और भी बहुत सारे स्टिकर्स आने लग गए हैं. सो ऑल ऑफ दीज विल हेल्प यू इंक्रीज योर एंगेजमेंट टू मल्टीफोल्ड. ठीक है, ये है आपका जनरल इंस्टाग्राम प्रोफाइल. तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल में एज यू कैन सी एक जगह पर रील्स विजिबल है, एक जगह पर IGTV विजिबल है, एक जगह पर अगर आपने स्टोरी डाल रखा है तो वो एक प्रोफाइल के पास में पर्पल सर्कल है. और उसी के साथ यहाँ पर आपको एक हाइलाइट्स का ऑप्शन मिल जाता है विच इज बेसिकली योर स्टोरीज बट सेव्ड, एंड देन यू हैव फीड पोस्ट. अभी बहुत सारे अकाउंट्स में यहाँ पर रील्स का सेक्शन के बाद IGTV हट के एक नया आइकन आ गया है जिसको हम वीडियो सेक्शन बोल रहे हैं. वो सबके पास नहीं आया है पर बहुत सारे लोगों के पास आ गया है. आई थिंक अगले 2-3 महीने में सबके पास आ जाएगा. सो नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल अंडरस्टैंड कि जब कोई आपकी प्रोफाइल पर आता है तो आप उसको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोफाइल कैसे दिखा सकते हैं. क्योंकि हर बार जब हम प्रोफाइल बनाते हैं तो हमारे पास ये क्वेश्चन होता है कि हम प्रोफाइल पिक्चर कैसा डालें, हम बायो कैसा लिखें, नाम क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमें हाइलाइट्स बनाने, क्या करना है क्या नहीं करना है. सो आज का सेशन आपको बताएगा कि जब आपने इंस्टाग्राम अकाउंट को पहली बार अपने पैशन के लिए कॉन्फ़िगर कर रहे हो, यू स्टार्टिंग योर इंस्टाग्राम एंड यू विल स्टार्ट यूजिंग इट टू डिस्प्ले योर पैशन टू मल्टीपल पीपल, तो आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को किस तरीके से ब्यूटिफाई कर सकते हो. सो वॉट वी विल डू इज वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन एंड बाई द एंड ऑफ माई एंटायर कॉन्वर्जेशन हम लोग राइट साइड ऑफ द स्क्रीन तक पहुंच जाएंगे. ठीक है, सो सबसे पहले जो चीज हम देखेंगे वो है कि पार्ट्स ऑफ प्रोफाइल. सो प्रोफाइल में आपके पास यूजर नेम होता है, प्रोफाइल पिक्चर होता है, प्रोफाइल नेम होता है और बायो होता है. सो दीज आर द 4 थिंग्स दैट यू हैव एज अ पार्ट ऑफ योर प्रोफाइल. अब आपको क्या क्या करना है. सो आपको सबसे पहले एक बहुत अच्छा प्रोफाइल पिक्चर सेट करना है. तो हम आपको बताएंगे कि अच्छा प्रोफाइल पिक्चर का डेफिनेशन क्या होता है. उसके बाद एक अच्छा सा नाम लिखना है. सो आपका अपना नाम है लेकिन उसके अलावा आप चाहें तो उस नाम को इस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि जब कोई आपको ढूंढेगा इंस्टाग्राम पर तो उसको वो नाम जल्दी मिल जाएगा. सिमिलरली बायो किस तरीके से लिखना है और आपके प्रोफाइल को एमवे बिजनेस के लिए किस तरीके से रेडी करना है. दीज आर द 4 थिंग्स दैट वी विल कवर. लेट्स स्टार्ट विद प्रोफाइल पिक्चर. प्रोफाइल पिक्चर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है.
और हर बार बहुत सारे लोगों ने पूछा होगा, आजकल नए नए ट्रेंड चल रहे हैं, लोग स्पेशली चीजें खरीद रहे हैं केवल प्रोफाइल पिक्चर पे डालने के लिए, राइट? बिकॉज प्रोफाइल पिक्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एवरीडे एक्टिविटी ऑन सोशल मीडिया. आप किसी के पोस्ट के नीचे जाके कमेंट करेंगे, उसको आपका प्रोफाइल पिक्चर देखेगा. आप एक पोस्ट कर रहे हैं तो आपके पोस्ट के ऊपर आपका प्रोफाइल पिक्चर है. कोई आपके प्रोफाइल पर आया है तो उसको आपका प्रोफाइल पिक्चर दिख रहा है. अगर आपने कोई स्टोरी डाली है तो आपको प्रोफाइल पिक्चर मिल रहा है. मतलब अगर आपने अपने प्रोफाइल पर कुछ भी किया है, आपको आपका प्रोफाइल पिक्चर तो दिखेगा ही. लेकिन अगर यही आपने किसी और की प्रोफाइल पर भी किया है, अगर आप अपनी डाउनलाइन के या अपने फ्रेंड के प्रोफाइल पर जाके कॉमेंट या लाइक भी करते हैं, तो वहां पर आपका प्रोफाइल पिक्चर दिखने वाला है. इसीलिए आपका प्रोफाइल पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो अब एक अच्छा प्रोफाइल पिक्चर बहुत आइकॉनिक होना चाहिए और देखने वालों को एक इंडिकेशन देना चाहिए कि वो आपका प्रोफाइल देखे. अभी यहां पर मैं मेरा खुद का प्रोफाइल बना रहा हूं एंड फॉर दिस एग्जांपल मैंने मेरा पैशन ब्यूटी कैटेगरी में रखा है, ठीक है? सो ये आपके पैशन का एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए आपका प्रोफाइल पिक्चर. लेट्स लुक एट अ फ्यू एग्जांपल्स. सो जैसे यहाँ पर कुकिंग विद सुखी है, तो कुकिंग विद सुखी में आप देख सकते हैं कि उनका जो प्रोफाइल पिक्चर है उसमें वो किचन का एक बैकग्राउंड ले रखा है, जिसकी वजह से ये समझ आता है कि सामने वाला हो सकता है कि शेफ हो. तो जब लोग आपके प्रोफाइल पर आएंगे तो वो डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे. सिमिलरली फिटनेस विद मलिक में यू विल सी कि उन्होंने एक हेल्दी लाइक एक फिटनेस फ्रीक वाला फोटो लगाया है, जिसकी वजह से लोगों को ये समझ आता है कि हाँ दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन फिटनेस, राइट? अभी प्रोफाइल पिक्चर के बाद आता है नोटवर्दी नेम. अभी सबके सब यही सोच रहे हैं कि यार हमारा नाम है और हम चाहे तो अपना नाम डाल सकते हैं, राइट? लेकिन क्या होता है कि इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोग आपको जानते हैं और वो लोग आपको आपके नाम से ढूंढ लेते हैं. लेकिन अगर मैं आपको नहीं जानता हूं लेकिन मैं मुझे आपका पैशन पसंद है, लेट्स से आपका पैशन है कुकिंग और मुझे कुकिंग पसंद है, और अगर मैं सर्च बार में जा रहा हूं तो हो सकता है कि मैं आपका नाम ना लिखूं. लेट्स से कि सिद्धार्थ का पैशन कुकिंग है, तो मैं सिद्धार्थ को नहीं जानता तो मैं सर्च बार में सिद्धार्थ नहीं लिखने वाला हूं, लेकिन मैं सर्च बार में लिख सकता हूं कुकिंग, राइट? तो एक नोटवर्दी नेम में अगर आप अपना पैशन का कीवर्ड डाल दें तो इट विल क्रिएट अ वेरी डिस्टिंक्टिव प्रोफाइल. जैसे हम अभी एग्जांपल देख रहे थे, सुखी ने लिखा है कुकिंग विद सुखी, तो जब कोई कुकिंग देख रहा है तो उसको ये प्रोफाइल पहले ऊपर दिखेगा. सॉरी. सिमिलरली फिटनेस विद मलिक, तो अभी जब कोई फिटनेस सर्च कर रहा है तो ये प्रोफाइल उनको पहले दिखेगा, इंस्टेड ऑफ somebody लुकिंग फॉर somebody जिनका पैशन फिटनेस है लेकिन उन्होंने नाम सिर्फ मलिक सिंह या मलिक केवल अपना फर्स्ट नेम डाल रखा है. सो इसीलिए अगर आप अपना पैशन का कीवर्ड अपने नेम में डाल देते हैं, इंस्टाग्राम के नाम में डाल देते हैं, तो उसका सर्चेबिलिटी बढ़ जाता है. उसके बाद हम आते हैं कि बायो. बायो आपके नाम के नीचे लिखा हुआ आता है और बायो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बायो इज लाइक एन इंट्रोडक्शन. तो जब आप किसी से मिलते हैं, अभी आई नो कि आप लोग एमवे बिजनेस बहुत टाइम से कर रहे हैं या अभी अभी स्टार्ट किया है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज मीटिंग पीपल. एंड जब आप लोगों से मिलते हैं तो सबसे पहले आप एक इंट्रोडक्शन देते हैं, राइट? और उसी तरीके से सामने वाला भी आपको जज करता है एक बार देख के कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस तरीके से आप काम करते हैं. और वो इंट्रोडक्शन बहुत ब्रीफ होता है. तो इंट्रोडक्शन इंस्टाग्राम पर भी उतना ही ब्रीफ रखा गया है. 150 कैरेक्टर्स का टोटल लिमिट है और आपके पास आपकी पूरी स्टोरी बताने के लिए सिर्फ ये 150 कैरेक्टर्स है. और इन्हीं 150 कैरेक्टर्स को पढ़ के कोई भी ये डिसाइड करता है कि वो आपके प्रोफाइल को फॉलो करने वाला है या नहीं करने वाला है. फॉलो करना है या पास करना है वो डिपेंड करता है इस बायो के ऊपर, राइट? तो अभी 150 कैरेक्टर्स में हम क्या क्या बता सकते हैं? हम बता सकते हैं हमारा पैशन या फिर हम किस तरीके का कंटेंट डालने वाले हैं. सामने वाला जब आपकी प्रोफाइल पर आया है तो उसको हम एक रीजन दे सकते हैं कि वो आपको क्यों फॉलो करें. एंड स्पेसिफिक हैशटैग, ये हैशटैग लोगों को आपकी प्रोफाइल ढूंढने में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने हैशटैग सर्च किया हैशटैग कुकिंग या हैशटैग ब्यूटी, तो आपके प्रोफाइल में वो हैशटैग आपकी प्रोफाइल को सर्च रिजल्ट में ऊपर ऊपर लेकर आएगा. तो इस हिसाब से आपके बायो में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? यू शुड टॉक अबाउट योर स्किल्स, देयर शुड बी राइट कीवर्ड्स,
हैशटैग होना चाहिए और एक कॉल टू एक्शन होना चाहिए। कॉल टू एक्शन मतलब ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद सामने वाले को क्या करना चाहिए। लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। आप यहाँ पर दो बायो देख रहे हैं। अभी चैट बॉक्स में अगर आप चाहें तो बताएं कि इन दोनों में से आप कौन सा वाला बायो रखना चाहेंगे, बायो ए या बायो बी। यू कैन सिंपली राइट ए और बी इन द चैट बॉक्स, व्हाटएवर यू प्रेफर। आयुष, इफ यू वांट वी कैन रन द पोल्स आल्सो, नाउ वी आर गुड टू गो। नहीं, आई थिंक बट आई थिंक दिस इज द बेटर ऑप्शन बिकॉज़ यूट्यूब पे बहुत ज्यादा आई कैन सी पीपल एक्चुअली। या यस डन। ओके, अ फ्यू पीपल आर सेइंग बी। See, why B is not a good option and why A is a great option is because A पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने ये भी बता दिया कि वो क्या करते हैं, that is सॉल्ट डो उनको पसंद है, वो रेसिपी शेयर करते हैं, टिप्स और ट्रिक्स शेयर करते हैं, और अगर आपको सीखने की इच्छा है तो आप कुकिंग एक्सपर्ट सीमा को फॉलो कर सकते हैं। जबकि शेफ सलोनी ने पेड प्रमोशन के बारे में लिखा है, डीएम ऑन इंस्टा लिखा है, ड्रामा क्वीन 800 प्लस फॉलोवर्स ऑन टिकटॉक, हर चीज लिखी है, लेकिन इससे ये नहीं पता चल रहा है कि सलोनी किस तरीके का कंटेंट डालने वाली है। जब कोई भी इंसान आपकी प्रोफाइल पर आता है तो सबसे पहले उनको ये पता होना चाहिए कि इस प्रोफाइल से क्या एक्सपेक्टेशन है उनकी, ताकि वो एक्सपेक्टेशन सही सेट करें। इसीलिए ऑप्शन ए इज अ मच बेटर चॉइस। और बायो के थोड़े और एग्जांपल्स अगर हम देखें तो वेट लॉस विद रचना, अभी रचना ने बहुत क्लियरली पॉइंट वाइज डिस्क्राइब किया है कि वो वेट लॉस के लिए रेसिपीज और टिप्स देती है, वो रिजल्ट्स के लिए जानी जाती है, और वो प्रैक्टिकल एंड टेलर मेड डाइट प्लान्स बनाती है, और उसके बाद उनके बहुत सारे हैबिट क्लाइंट्स हैं। इस तरीके के पॉइंटर्स देख के सामने वाले को पता होता है कि अभी जब मैं रचना की प्रोफाइल पर जाने वाला हूँ तो मैं क्या एक्सपेक्टेशन के साथ जा रहा हूँ और मुझे रचना की प्रोफाइल से क्या बेनिफिट होने वाला है। इस तरीके के बायोस अगर आपको भी बनाने हैं तो आप ये कुछ टेम्पलेट्स हमने आपके लिए बना रखे हैं जिनको देखकर आप बहुत इजीली बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला टेम्पलेट है, सबसे पहले आप अपने पैशन को या अपने आप को एक डेफिनेशन दे दें। अगर आप फिटनेस एंथुजियास्ट है तो मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पर कि फिटनेस एंथुजियास्ट ऑब्सेस्ड विद योगा एंड मेडिटेशन, तो दिस इज अ वेरी गुड वन लाइनर। उसके बाद आपने कीवर्ड्स और हैशटैग्स को मिक्स कर दिया। अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया था कि देयर आर फोर पॉइंट्स, राइट, कीवर्ड्स भी आने चाहिए और हैशटैग्स भी आने चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या किया है टेम्पलेट में, उन कीवर्ड्स और हैशटैग्स को कंबाइन कर दिया। अभी क्योंकि मैं योगा एंथुजियास्ट हूं तो मैं योगा के ट्यूटोरियल्स देता हूं, हेल्थ टिप्स देता हूं और हेल्दी रेसिपीज देता हूं। जब आप इस तरीके के हैशटैग्स डाल रहे हैं तो आप ये चाहें कि पहला हैशटैग बहुत ज्यादा पिन पॉइंटेड हो, दूसरा वाला थोड़ा ब्रॉड हो और तीसरा वाला सबसे ज्यादा ब्रॉड हो। मतलब अभी हेल्थ रेसिपी और योगा में अगर कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे तो वो सिर्फ हेल्दी लिविंग एज अ पैशन ही एक कॉमन फैक्टर, राइट, लेकिन योगा ट्यूटोरियल्स और योगा इज वेरी वेरी रिलेटेड। तो इसे हम कहते हैं कि पिन पॉइंटेड हैशटैग और ब्रॉडर हैशटैग्स। एंड तीसरी लाइन में आप करते हैं एक्शन कि अगर मुझे फॉलो करो क्योंकि मैं लॉकडाउन के अंदर घर पर वर्कआउट कैसे करते हैं उस तरीके के कुछ वर्कआउट सिखाता हूँ। सो इस तरीके का एक टेम्पलेट आप अगर चाहें तो अपने लिए बना ले, वरना मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है विच इज पॉइंटर्स में, जैसे हमने अभी रचना का प्रोफाइल वो देखा था। इसमें होता है सीधा चार बेनिफिट्स बता रहे हैं, स्किन किस तरीके से आपको मेकअप मेकअप की किस तरीके की चीजें बता रहे हैं, क्यों फॉलो करना, ऑल ऑफ दीज फोर पॉइंट्स विल बी द बेनिफिट्स व्हाई समबडी शुड फॉलो यू। अभी जब मैं मेरा बायो लिख रहा था तो मैंने वो चार ऑप्शंस लिए, मैंने हैशटैग्स डाले, कॉल टू एक्शन डाला, एक रीजन डाला और अपने पैशन के बारे में बताया। तो मैंने लिखा है स्किन केयर एंथुजियास्ट विच इज अ डेफिनेशन ऑफ मी। Second will be home remedies for perfect skin. The reason why they should follow me is because मैं home recipes बताता हूँ perfect skin के लिए, और उसके बाद I give daily tips and tricks for skin care. और उसके बाद skin care और beauty मेरे related hashtags थे तो मैंने वो hashtags इसमें add कर दिए। तो इस तरीके से हमने अभी तक तीन चीजें add कर दी है, profile picture, नाम और bio। अभी आपका account कुछ इस तरीके का दिखना शुरू हो गया है, लेकिन कॉन्टैक्ट बटन ये जो ऑरेंज में मैंने हाईलाइट किया है वो आपके प्रोफाइल पर अभी नहीं आ रहा है।
तो अभी इस प्रोफाइल पर कॉन्टैक्ट बटन डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो डालने के लिए आपको अपने अकाउंट को बिजनेस प्रोफाइल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो आप अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं, देयर आर थ्री स्टेप्स। आप अपना यूजर नेम और सब सेट करने के बाद सेटिंग्स पे जाएंगे। सेटिंग्स के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रोफाइल सेक्शन में टू स्विच इट टू अ बिजनेस अकाउंट, और जैसे आप बिजनेस अकाउंट में डालते हैं तो आपको ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए। इस कॉन्टैक्ट बटन का बेनिफिट ये होता है कि लोग आपको एक बटन के प्रेस पर सीधा रीच आउट कर सकते हैं। Now, अगर आपको अपना फोन नंबर इस तरीके से ओपनली लोगों को नहीं देना है तो आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं, वरना आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के पास आपका फोन नंबर या फिर व्हाट्सएप का लिंक भी आ सकता है, क्योंकि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ऑलमोस्ट दोनों एक ही कंपनी के हो गए हैं, तो वहां पर आपके पास व्हाट्सएप इंटीग्रेशन का भी ऑप्शन होता है। तो आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो आपका कंटेंट देखकर आपको कोई प्रोडक्ट की इंक्वायरी भेजना चाहते हैं, वो सीधा आपको व्हाट्सएप पर रीच आउट कर सकते हैं और उनका फोन नंबर और उनके ईमेल डिटेल्स आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। सो इसीलिए बिजनेस प्रोफाइल पर स्विच करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स आ जाते हैं। इसके अलावा बिजनेस प्रोफाइल के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि एक फीचर है इनसाइट्स। जब आप बिजनेस प्रोफाइल पर होते हैं तो आप अपने हर पोस्ट पर इनसाइट देख सकते हो, और इनसाइट आपको बताता है कि आपका पोस्ट किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, उसमें कितना रीच हो रहा है, कितने लोगों को वो पसंद आ रहा है, और वो चीज देखकर आप ये गेस कर सकते हो या ये अंदाजा लगा सकते हो कि अगला जब आप कंटेंट बनाएंगे तो वो किस तरीके का बनाना है, आपकी ऑडियंस को किस तरीके का कंटेंट पसंद आ रहा है, राइट? अभी हमने आपके प्रोफाइल को बहुत सुंदर बना दिया है, हमने सारी जो चीजें आपको डालनी थी वो सारी की सारी चीजें इसमें डाल दी है। अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम खेलेंगे, और वो गेम हम इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि आपने अपनी प्रोफाइल को ऊपर से बहुत सुंदर बना दिया है, लेकिन जब आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका कंटेंट भी उतना ही सुंदर हो। तो अब उस सुंदर कंटेंट के लिए व्हाट वी विल डू इज वी विल प्ले अ स्मॉल गेम, जिसमें आप लोग मुझे ये बताएंगे कि किस तरीके से किस तरीके का कंटेंट आप चाहते हैं पोस्ट करना। मधु, सो व्हेन यू आर आस्किंग अबाउट बिजनेस प्रोफाइल, सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आपने एक बार अपना प्रोफाइल पूरा कंप्लीट कर लिया, उसमें यूजर नेम, बायो और प्रॉपर नाम, प्रोफाइल पिक्चर डाल दिया, तब आप सेटिंग्स में जाएंगे तो वहां पर प्रोफाइल का एक ऑप्शन होता है। प्रोफाइल ऑप्शन के अंदर आपको फीचर मिलता है कि डू यू वांट टू कीप इट एज अ प्राइवेट अकाउंट, अ बिजनेस अकाउंट एंड अ क्रिएटर्स अकाउंट। इन तीन ऑप्शंस में से अगर आप बिजनेस प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो इंस्टाग्राम आपसे पूछेगा आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालने के बाद आप सीधा बिजनेस प्रोफाइल पर शिफ्ट, आपका अकाउंट बिजनेस प्रोफाइल पर शिफ्ट हो जाता है। इससे आपके नॉर्मल रीच या आपके बाकी के कंटेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आई होप मैंने आई क्लियर दैट पार्ट फॉर यू। लेट्स स्टार्ट विद द गेम। अब आप मुझे यस और नो में चैट बॉक्स में बताएंगे कि डू यू थिंक वी शुड पोस्ट समथिंग लाइक दिस। वी हैव सम रियली स्मार्ट पीपल। अभी शिरूपा अगर चैट बॉक्स देख रही है तो शी इज वेरी हैप्पी, बिकॉज जब क्रिएटर्स प्रोग्राम शुरू हुआ था दिस वाज वन ऑफ आवर प्राइम चैलेंजेस। यस नो, लाइक आई मीन हाँ नहीं, जो ऑप्शन है ऑप्शन नो इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके का कंटेंट आपको नहीं डालना चाहिए। रीजन बीइंग, अगर आपको कंटेंट डालना है और प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताने हैं, अगर आपको प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताने हैं तो इस तरीके का कंटेंट डालने से कोई भी फायदा आपको नहीं होगा। अगर आपको ग्लिस्टर का ही कोई पोस्ट डालना है तो आप इस तरीके का डाल सकते हैं, जिसमें आ रहा है कि यू नो, जहां पर आपका प्रोडक्ट एक ग्लोरी में है, उस प्रोडक्ट को देख के, फोटो देख के इंसान का मन करे प्रोडक्ट के बारे में जानने का, और जो ये सारे बेनिफिट्स किसी और, सो दिस इज बेसिकली पिक्ड अप फ्रॉम अ डिफरेंट एमवे क्रिएटर्स अकाउंट फ्रॉम सम डिफरेंट कंट्री।
तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो लिखे हुए हैं एक्सपेक्टेशन है कि ये बेनिफिट्स ही होंगे। तो अगर इस तरीके के बेनिफिट्स आपको लिखने हैं तो आप उनको अपने पोस्ट के कैप्शन में डाल सकते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट ऑन द पोस्ट। अभी एक सिंपल सा थंब रूल है जो अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी फोटो या पोस्ट डालने के पहले अगर आप उस फोटो को इंस्टाग्राम के अंदर ही अगर आप उस फोटो को इंस्टाग्राम के अंदर ही एडिट कर सकते हैं। इज माई स्क्रीन विजिबल? ओके। अगर आप उस फोटो को इंस्टाग्राम के अंदर ही एडिट कर सकते हैं तो इट मेक्स सेंस। अगर नहीं कर सकते तो आप उस पोस्ट को इंस्टाग्राम पर मत डालिए। मतलब अगर आपको इस तरीके का पोस्ट बनाना है तो आप इंस्टाग्राम के अंदर ऐसा पोस्ट नहीं बना पाओगे और इसीलिए उस पोस्ट को आप इंस्टाग्राम पर नहीं डालेंगे। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। यहां पर आप मेरे को ये बताएं कि ऑप्शन ए पोस्ट करना चाहिए या ऑप्शन बी। देयर आर टू पोस्ट, दोनों के दोनों प्रोडक्ट बता रहे हैं और दोनों प्रोडक्ट ही दिखा रहे हैं। तो आप बताएं कि इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट कौन सा पोस्ट आप डालेंगे, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। आयुष, वन थिंग आई कैन से दैट कि आज जो एंगेजमेंट लेवल आई कैन सी इन द चैट बॉक्स है ना, इवन आई वुड से ओके। बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन ए लिख दिया है। आई एम सॉरी, रुकिए रुकिए रुकिए, ऑप्शन ए सही नहीं है क्योंकि अभी जो हमने पहले बात करी थी अगर आपको पोस्ट को इंस्टाग्राम के बाहर बनाना पड़ रहा है, बहुत सारे लोग कैनवा यूज करते हैं, बहुत सारे लोग फोटोशॉप यूज करते हैं, कुछ लोग स्नैपसीड यूज करते हैं, इस तरीके का ऑप्शन ए जिसमें दो प्रोडक्ट है, जॉइंट्स है, ये सारी चीजें अगर आपको दिखानी पड़ रही है तो ऑप्शन ए इज नॉट द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्यों? क्योंकि इसमें प्रोडक्ट ज्यादा सुंदर दिख रहा है, इस फोटो को देखकर इंसान इसके ऊपर रुकेगा और उसके बाद इसके बारे में और जानने की कोशिश करेगा। ऑप्शन ए देखकर पहले तो कलर्स ही आंखों में चुभेंगे और इंसान प्रोफाइल को कंटेंट को आगे बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि लोगों के पास बहुत सारा कंटेंट है देखने के लिए। आपके अकाउंट के अलावा एक नॉर्मल इंसान कम से कम 1200-1300 अकाउंट्स को और फॉलो कर रहा है, तो अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो वो उसको स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएगा। That is why when you are clicking pictures, it should be more appealing. Photo देख कर लगना चाहिए कि हाँ हमें देखना है। Parul, you are saying something exactly बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि अगर हम product का post डालते हैं तो हमें engagement नहीं मिलता है, which is correct because लोग आपको product के photo के लिए follow नहीं करते हैं। ये चीजें over the period जब आप लोग और ज्यादा detail में Instagram पर जाएंगे लेकिन Instagram को डिटेल में समझना शुरू करेंगे तब पॉइंट आएगा ये कि लोग प्रोडक्ट का फोटो देखने के लिए एमवे ऑफिशियल इंडिया के पेज पर जा सकते हैं। आपके पेज पर जब वो आ रहे हैं तो वो आपका पैशन फॉलो करेंगे। जैसे शुरूपा ने जब स्टार्टिंग में बताया था कि आप लोगों की पैशन कैटेगरी है, तो अगर आप लोग लेट्स से पारुल इज अ फिटनेस एंथुसियास्ट, उनका पैशन फिटनेस है, तो जब वो पोस्ट डाल रही है तो लोगों को एक्सपेक्टेशन है उससे या तो फिटनेस के एरिया में कुछ सीखने को मिलेगा या फिर कुछ कंटेंट कंज्यूम करने को मिलेगा। और जब आप इस तरीके का कंटेंट डाल रहे हैं जो लोगों के लिए बेनिफिशियल है तो आपके फॉलोअर्स अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे। आई एम सॉरी, मैं आपका नाम नहीं पढ़ पा रहा लेकिन जिसने ये क्वेश्चन पूछा है हाउ टू इंक्रीज फॉलोअर्स, आराम से आपके फॉलोअर्स इंक्रीज हो जाएंगे अगर आपके एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स को आपके कंटेंट से हमेशा थोड़ा फायदा मिलता है। मतलब अगर आप फिटनेस के फील्ड में होकर रेसिपी शेयर कर रहे हो तो वो रेसिपी देखने वाले को एक फायदा हो रहा है कि उसको नई रेसिपी सीखने को मिलती है, उससे लोग आपका कंटेंट और जनों तक शेयर करते हैं और आपका प्रोफाइल बढ़ जाता है। ठीक है, तो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि अगर हमें कोई भी फोटो को इंस्टाग्राम के बाहर एडिट करना होता है तो आप वो कंटेंट पोस्ट नहीं करें। तो डू यू थिंक हमें ये वाला जो कंटेंट है विच इज वेरी अनयूजुअल, क्या हमें ये डालना चाहिए? ओके, आई नो कि मतलब मैंने जो रिपीट किया था वो सही बात है, पर ये वाला कंटेंट इज एक्चुअली गुड।
I'll ask you guys to stop putting in right now. I will explain something about this particular content. ये आपको इसलिए डालना चाहिए because ये content unusual है. जब आप अपना Instagram scroll कर रहे हो और इस तरीके का कुछ content आता है जिसमें there is a big product and a small human being. This is just an example. जब कोई unusual चीज देखते हैं तो लोगों की curiosity बढ़ती है और वो उसके ऊपर ज्यादा time spend करते हैं. जैसे बीते 2 साल में सबने बहुत सारे ट्रेंड देखे. फॉर एग्जाम्पल एक वो ट्रेंड था ये मैं हूँ, ये मेरी ये मेरे दोस्त हैं और ये हमारी पार्टी हो रही है. दीज आर थिंग्स विच आर अनयूजुअल एंड दैट इज वाई दे गो वायरल बिकॉज पीपल फाइंड इट इंटरेस्टिंग, पीपल फाइंड इट इंट्रीगिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पीपल फाइंड इट फनी. तो जब लोगों को वो इंटरटेनिंग लगता है आपका कॉन्टेंट तो आपका कॉन्टेंट ज्यादा लोगों तक पहुंचता है. एंड इसीलिए ये वाला कंटेंट अगर आप पोस्ट करते हैं तो इससे आपको बेनिफिट ज्यादा होंगे. लेकिन ये इस तरीके का कंटेंट बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट. सो अगर आप इस तरीके का कंटेंट नहीं बना पाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कंटेंट बनाए बिना अपना अकाउंट ग्रो नहीं कर सकते. आप इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बेनिफिशियल कंटेंट बनाकर अपना अकाउंट ज्यादा अच्छे से बना सकते हैं. नहीं रेणुका मैडम, अगर आपको इस तरीके का कंटेंट बनाना है तो आप इंस्टाग्राम पे इसको नहीं बना पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों में प्रोडक्ट है, दोनों में कोई एक्सटर्नल एडिटिंग नहीं की गई है, क्या पोस्ट करना चाहिए? परफेक्ट सिद्धार्थ, ऑब्जेक्टिव अचीव्ड. Yes, objective achieved, yeah. Yes, because अभी जिन लोगों को ऐसा लग रहा है, because I don't see anybody who thinks कि हमें option A post करना चाहिए, but still, जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमें option A post करना चाहिए, तो why option B is a better choice? Option B क्यों अच्छा है और क्यों आपको option B post करना चाहिए? Because जब आप इसको post कर रहे हो तो अब आपको एक तो caption में केवल एक product के बारे में लिखने का opportunity मिल जाता है, दूसरा आपका प्रोडक्ट फोकस में है और प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ बैकग्राउंड जो है वो एक स्टोरी बता रहा है. फॉर एग्जाम्पल विटामिन सी है और वहां पर नींबू रखा हुआ है एंड एवरीथिंग इज बेसिकली कलर कलर कोऑर्डिनेटेड. जबकि जब आप ऑप्शन ए देखते हैं तो प्रोडक्ट फोकस में नहीं है, उसको देख के उतना अपीलिंग फील नहीं आ रहा है. राइट, दैट इज वाई ऑप्शन बी इज अ बेटर चॉइस. नाउ दिस इज देयर आर टू फोटोज, आपने दो बहुत अच्छे अच्छे फोटोज खींचे हैं और वो दोनों फोटोज आपको लगता है कि हमें सोशल मीडिया पर डाल देना चाहिए, तो क्या हमें इस तरीके का एक सिंगल फ्रेम बना के डालना चाहिए? यस और नो? ओके, हमें इस तरीके का कंटेंट नहीं डालना चाहिए. हाँ, आपने दो अच्छे अच्छे फोटोज खींचे हैं लेकिन अगर आपको इस तरीके का कोलाज बनाना पड़ रहा है तो थंब रूल नंबर वन, आपको इंस्टाग्राम के बाहर बनाना पड़ेगा, which is not a very good thing and that is why you should not post something like this. Now, agar do achhe achhe photo khiche to usko use kaise kare? So one of the options is aap ek photo ek bar dal de aur dusra photo agli bar dal de, ya fir jis tarike ka maine yahan par ek slider bana rakha hai aap is tarike ka ek slider dal sakte ho, dono photo ek hi post mein swipe karke aap dekh sakte hain. And iske sath we come to an end and now you can ask questions and Siddharth, you can take over. You can ask people if they actually enjoyed the session. First of all, I would like everybody, main aap sabhi se puchna chahunga, kaisa laga program? Right? Fill the comment chat box with your feedbacks. Kaisa laga aapko program? Okay, and Ayush, aapke question ka answer chat box mein hai. Haan ji. चलिए, ज्यादा किसी को डाउट्स ना हो बिकॉज थोड़ा आज कंटेंट ज्यादा था, लाइक वी कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो बट आयुष, लेट मी टेल यू वन थिंग, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स होता क्या है कि जब हम सोशल मीडिया पे जाते हैं ना, हमारे सामने बहुत सारे थॉट प्रोसेस होते हैं और मुझे ये लगता है कि हमारे सामने यंगस्टर्स, हमारे सामने दो इमेज है. एक इमेज है कि जिसको हम फॉलो कर रहे हैं उसके ऑलरेडी 1 लाख प्लस फॉलोवर्स हैं, राइट? और कई बार
बीइंग अ यंगस्टर ना बहुत क्यूरियोसिटी होती है. एंड सो मेरा क्वेश्चन आपसे और श्री से यही आएगा नेक्स्ट कि मेजोरिटी ऑफ द यंगस्टर्स हैव दैट फीलिंग कि अच्छा मेरे लाइक्स कम हो रहे हैं, मेरे फॉलोअर्स कम है, मेरे फॉलोअर्स बढ़ नहीं पा रहे. एंड मैंने कई जगह देखा भी है कि जैसे हम कुछ हैशटैग्स यूज कर देते हैं तो वी स्टार्ट गेटिंग डीएम्स की अच्छा फॉलोअर्स इंक्रीज करने के लिए यू नीड टू पे दिस मच अमाउंट और आपके फॉलोअर्स इंक्रीज हो जाएंगे. सो श्री एंड आयुष आई हैव अ स्पेसिफिक क्वेश्चन कि किस तरीके से अपने अकाउंट को, यदि हमारे फॉलोअर्स कम है, लाइक्स कम हो रहे हैं, तो हाउ वी स्टार्ट इंक्रीजिंग दैट. Do you want to take it up? Yeah, Ayush, what I would suggest is take it up. I have noted a lot of question. Logon ne bahut acche acche sawal puche hai. So I have noted that now I'll come to that. But I think start off, then I'll add on. Okay. So सबसे पहले तो अगर कोई आपको DM में ये बोलता है कि आपको इतने पैसे देने हैं और इतने follower आ जाएंगे, please मत खरीदिए. चाहे जो हो जाए मत खरीदिए. Because जब भी आपके पास let's say आपने आपका account आज शुरू किया है तो कल आपके पास 1 लाख फॉलोवर नहीं आने वाले. तो जब आपने आपका अकाउंट शुरू किया है और आपके पास 100 फॉलोवर्स है या 50 फॉलोवर्स है, जब आप अपना कंटेंट डालते हो तो सबसे पहले आपका कंटेंट उन 50 लोगों के पास जाता है और उन 50 लोगों के रिएक्शन के ऊपर ये डिपेंड करता है कि ये कंटेंट आगे और किसी के पास जाने वाला है या नहीं. अगर हमारा कंटेंट उन 50 लोगों में बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मतलब ऑल 50 ऑफ देम आर लविंग योर कंटेंट, देन आपका कंटेंट और लोगों के पास जाता है और उससे आपके प्रोफाइल को ऑर्गेनिक ग्रोथ मिलती है. लेकिन अगर आप एक साथ जो ये फॉलोवर्स खरीद लेते हो, जो कि फेक फॉलोवर्स होते हैं मोस्ट केसेस, तो आपके पोस्ट के ऊपर लाइक नहीं आएगा, आपके पोस्ट का कोई रीच नहीं होगा और इंस्टाग्राम ये सोचेगा कि आपने 1000 फॉलोवर खरीदे हैं और उन 1000 में से किसी एक भी इंसान को आपका कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है और वो आपके ओवरऑल इंस्टाग्राम और सोशल जर्नी के ग्रोथ में विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स देन सॉल्यूशंस. सो दैट इज व्हाई आपका जो ग्रोथ होगा वो थोड़ा स्लो होगा स्टार्टिंग में. लेकिन पहला माइलस्टोन है 2000 फॉलोवर्स का. जिस दिन आपने वो 2000 फॉलोवर्स अचीव कर लिया, उसके बाद आपका ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता इंस्टाग्राम. और उसको अचीव करने के लिए कंसिस्टेंसी इज इम्पॉर्टेंट. हम लोगों ने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स से बात करी है. श्री यू माइट रिमेम्बर आयशा बिले मोरिया, शी वाज लाइक I went crazy. मैं तो दिन दिन में तीन तीन चार चार पार्ट पोस्ट कर रही थी, which helps your content grow and your account to grow. जितना ज्यादा कंटेंट होगा उतना ज्यादा रीच होगा और उस रीच के बेसिस पर आपका अकाउंट ग्रो होगा. और अभी तो रील्स के बेसिस पर आप बहुत कुछ कर सकते हो. सो अगर अकाउंट ग्रो करना है तो रील्स बनाए, कंटेंट डाले और प्लीज फेक फॉलोअर्स ना खरीदें. Yes, Sid, I'll add couple of things. I think दो तीन चीजें याद रखना बहुत जरूरी है. One is obviously consistency. Consistency इसीलिए important होता है कि कभी कभी हम ना जोश में आके बहुत content बना लेते हैं, रोज 7 दिन रोज हमने डाला content, फिर हम 1 महीने भूल जाते हैं. तो 1 महीने में भूलते जब है तो हमारे engagement कम हो जाता है, तो वापस जब हम आते हैं तो हमें फिर से बहुत टाइम मिलता है. इससे बेटर है कि अगर आपको लगता है कि आप हफ्ते में सिर्फ 3 क्रिएटिव डाल सकते हैं तो आप 3 डालिए, लेकिन वो 3 का फॉर्मेट फॉलो कीजिए, ना कि 7 फिर गायब, 7 फिर गायब. डोंट डू दैट, इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम. सेकंड व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि जितने भी आपने इंस्टाग्राम के अलग अलग फीचर्स हैं, हर फीचर कोई ना कोई रीजन से दिया गया है, राइट? एक एंगेजमेंट के लिए है, एक रीच के लिए है, एक लाइक स्टोरीज इज फॉर एंगेजमेंट, रील्स इज फॉर रीच, IGTV इज फॉर इंफॉर्मेशन. आप जितना इनके कॉम्बिनेशन बढ़ा सकते हैं कि यू यूज ऑल ऑफ देम, यू विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट. अगर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप लोग फॉलोअर्स क्या होता है, हमारे मान लीजिए 3-4 फॉलोअर्स, थिंग इज दैट प्रोबब्ली दीस पीपल वर जस्ट टेस्टिंग इट आउट कि इस इनका जो कंटेंट है या इनका जो इंटरेस्ट है क्या मेरे से शायद मेरे साथ मैच करता है. अगर नहीं करता है, उन्होंने आपको अनफॉलो कर दिया है, इट इज फाइन, राइट? इट इज रादर देन हाउ मेनी पीपल यू ग्रो. मतलब आपका फॉलोअर लाख है लेकिन आपके एंगेजमेंट रेट 1% है, इससे बेटर है कि आप, शायद आपके पास 500 फॉलोअर्स है लेकिन आपका एंगेजमेंट रेट 20 है और आपका कन्वर्जन शायद उस 20% में से 10% आपका कन्वर्जन रेट है, इट इज गुड. सो फोकस ऑन पीपल हु आर एक्चुअली कमिंग एंड एंगेजिंग विद यू. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल सेड, आई विल जस्ट टेक दिस टू आंसर दैट. बहुत जनों ने पूछा जो
आयुष आपको आंसर जब वो दिखा रहे थे कि प्रोडक्ट पोस्ट डालने से एंगेजमेंट कर कम हो जाता है, प्रोडक्ट पोस्ट क्या हमें डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। द पॉइंट इज आपको डालना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि आपका जो पेज है उसमें सिर्फ प्रोडक्ट दिखे। आपको लोग व्हाट आयुष मेंशन, आपको लोग प्रोडक्ट के लिए फॉलो नहीं कर रहे, आपके लिए फॉलो कर रहे हैं, आप जो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। सो द बेटर पार्ट टू डू इट इज आप अपने बकेट्स क्रिएट कीजिए कि अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल में हैं और आप शायद कोई है शायद जिमिंग में इंटरेस्टेड है या योगा में इंटरेस्टेड है। सो आप अगर जिमिंग में हैं तो आप जिम के बारे में सारे नॉलेज के बारे में शेयर करेंगे, उसके साथ अपने खाने के बारे में शेयर करेंगे। द थर्ड पोस्ट वुड बी व्हेन यू इंटीग्रेट एन एमवे प्रोडक्ट एंड शो इट। ऐसे बकेट करके जब आप चीजें शेयर करने लगे देन इट मेक्स सेंस। इट डज नॉट मेक सेंस कि अगर आपने सिर्फ एमवे प्रोडक्ट दिखाया तो वो डेफिनेटली दैट्स लाइक इट्स जस्ट क्रिएटिंग अ सेकंड पेज, क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो लोग एमवे वेबसाइट में आके ये चीज बताइए, इंटीग्रेट प्रोडक्ट एंड शो इट टू पीपल। थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट। और श्री मेरा ना यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी हम कम्युनिटीज के बारे में बात करते हैं और कम्युनिटीज ऑल अबाउट की जो हमारे सेम माइंडसेट के लोग हैं, जिनका सेम पैशन है, वो एक साथ मिलकर एक ग्रुप क्रिएट करें, राइट? अभी वो क्या रहा है कि इफ लेट्स सपोज आई एम अ पर्सन, मेरे अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट किया और मेरे साथ मैंने अपने उस अकाउंट को अपनी टीम में प्रमोट किया, मेरी टीम के पूरे टीम मेंबर्स मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, राइट? बहुत बार होता है हमारी ऑडियंस जो हमारे मेन सेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो चाहते हैं कि हम नई ऑडियंस तक पहुंच सके, राइट? न्यू ऑडियंस को कैसे टैप बेस करें, थोड़ा सा यदि आप इसके बारे में बताएंगे कि व्हाट किस टाइप का हमें कंटेंट रखना चाहिए या फिर हमें नई ऑडियंस को टच बेस करना, बिकॉज आज की डेट में वी हैव सो मेनी एक्टिव एबीओस, राइट? और वो सभी कुछ ना कुछ कंटेंट बना रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे और आयुष से, बिकॉज यू गाइस आर एक्सपर्ट, कि किस टाइप का कंटेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम, दो क्वेश्चंस है मेरे, एक बिगनर को किस टाइप का कंटेंट रखना चाहिए, राइट? और सेकंड, यदि मैं पर्सनली अपने पैशन को अभी तक नहीं ढूंढ पा रहा, बिकॉज मैं बहुत सारा टाइम क्या होता है कि मैं कोई क्रिएटर को देख रहा हूँ, मैं उसके कंटेंट से इंप्रेस हो जाता हूँ, तो आई स्टार्ट मूविंग टू दैट, राइट? और मैंने शुरुआत की थी हेल्दी कुकिंग की, अब मैं आके बात करने लग जाता हूँ एकदम से ब्यूटी के बारे में, राइट? सो बिगनर्स को किस टाइप का कंटेंट प्लेस करना चाहिए सो दैट उनकी कंसिस्टेंसी बनी रहे और उनके फॉलोअर्स इंक्रीज हो, नए ऑडियंस को टच बेस कर सके, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आई थिंक सिड योर क्वेश्चन हैज टू पार्ट्स। एक पार्ट है कि जो हमारा फॉलोअर्स है वो मेनली एक्टिविटी है एंड हाउ वी शुड रीच आउट टू न्यू पीपल। आई विल ट्राई टू आंसर दैट। जो कंटेंट के पार्ट है I will hand over to Ayush to answer कि beginner से लेके क्या content होना चाहिए, because obviously he is an expert in that field. So when we talk about कि ये हमारा ना एक बहुत common question है कि हमारे जो followers अभी है वो सारे Amway के है, right? इसमें दो questions आते हैं। कोई कोई हमें पूछता है कि हमें क्या वो हटा के दूसरा पेज खोलना चाहिए कि नहीं चाहिए। Now you have to understand one thing, अगर आपके कोई existing पेज है और वो business पेज है जहाँ पे आप passion के बारे में, पहली बात तो है आप ये समझ लीजिए कि पहले आइडेंटिफाई करके पैशन रिलेटेड कंटेंट डालिए, वेदर इफ इट इज ब्यूटी, वेदर इट इज हेल्दी लिविंग, वेदर इट इज कुकिंग, वो कंटेंट पस आप ये कीजिए। कमिंग टू द पॉइंट कि अगर मेरा फॉलोअर्स ऑलरेडी एमवे में है, इट इज बट नेचुरल क्योंकि लोग आपको जानते हैं, पहला ग्रुप आपको उसमें फॉलो करेंगे। बट द पॉइंट इज जो आप अगर न्यू, मोर एंड मोर न्यू पीपल को एंगेज करना चाहते हो, उनके यू वांट टू रीच आउट टू देम, यू वांट टू रीच आउट टू न्यू कंज्यूमर्स, जगह आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे वो न्यू कंज्यूमर्स आएंगे। और वो आएंगे कैसे, जैसे आयुष ने मेंशन किया रील्स, राइट? जब आप रील्स क्रिएट कर रहे हो यू आर रीचिंग टू न्यू पीपल, राइट? तो वो लोग आके पहली बार आपका कंटेंट शायद देखेंगे। इट हैज टू बी अ स्लोप। ऐसा नहीं है कि आज मेरा एमवे है वो पूरा रिप्लेस हो जाएगा, नहीं, क्योंकि फर्स्ट बेस जो कंज्यूमर है कि आपके, आपको जो एमवे का कोई और इंसान है जो फॉलो करता है, इफ दैट पर्सन इज ऑल्सो फॉलोइंग हेल्दी लिविंग, तो एक डुप्लीकेट उस टाइप का ही प्रोफाइल आके आपको फॉलो करे। इफ दैट पर्सन इज न्यू इट्स फैंटास्टिक। सो फर्स्ट प्लीज फोकस ऑन द रीच फैक्टर। सेकेंड इज आप जब कॉन्टेंट डाल रहे हो, कोई भी कॉन्टेंट, हम ये जो कॉपी पार्ट है हमारे उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं।
वो बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है, कॉपी एंड हैशटैग्स। हैशटैग्स ढूंढ के अच्छे जो हैशटैग्स है वो यूज कीजिए। और अच्छे के मामले में मैं ये बोल रही हूँ कि जब मान लीजिए आप एक योगा का फोटो डाल रहे हो, वहां पे पिक अप 5 best hashtag। उस 5 best hashtag में सारे मिलियन वाले को प्लीज मत जाइए। अगर आपका फॉलोअर्स 10,000 से नीचे है, पिक अप स्मॉलर हैशटैग्स। मतलब योगा डे का शायद मिलियन फॉलोअर्स हो सकता है, पर योगा इन इंडिया, मैं एज एन एग्जांपल दे रही हूँ, आई नीड टू चेक बैक, इज दैट उसका शायद 12,000 फॉलोअर है। सो यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉलर फॉलोइंग हैशटैग्स, क्योंकि वो जो अराउंड आपके लोग हैं ना, ज्यादा जो आपके साथ कनेक्ट करते हैं या सिमिलर थॉट प्रोसेस के हैं, ज्यादा उस पर रीच करेंगे। सो व्हेन यू पिक अप हैशटैग, दिस इज अगेन टू रीच आउट टू न्यू कंज्यूमर। थर्ड इज स्टोरीज। स्टोरीज में जब एंगेजमेंट होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि स्टोरीज का फॉर्मेट होता है हम सिर्फ ऐसे 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 करके उसको फ्लिप करते रहते हैं, देखते रहते हैं। सो यू विल रीच आउट टू अ लॉट ऑफ न्यू पीपल। अब आपका कॉन्टेंट इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जिसको रीच कर रहा है वो आके आपको फॉलो करे। एक बार में शायद नहीं करेगा, दूसरे तीसरे बार में करेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेंट। बट ये चीज, क्रिएट रील्स, यूज प्रॉपर कॉल टू एक्शन, यूज हैशटैग्स, यूज स्टोरीज, एंगेजमेंट। स्टोरी में हम स्टोरी डाल देते हैं, कोई स्टिकर्स नहीं डालते, एंगेज ही नहीं करते। तो ये चीज दिमाग में रखना बहुत बहुत जरूरी है, सो दैट वी गेट न्यू पीपल टू फॉलोअर्स। एंड फॉर द नेक्स्ट, कि कैसा कॉन्टेंट होना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करना चाहिए, आयुष, आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन। ओके, जब भी आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है या कोई भी थॉट भी आता है दिमाग में कि किस तरीके का कंटेंट डालना चाहिए, पहली चीज, कोई भी इंसान अगर आपके प्रोफाइल पर आके आपको फॉलो कर रहा है तो उसको कोई ना कोई बेनिफिट दिखना चाहिए। एंड दैट बेनिफिट इज व्हाट डिफाइन्स योर एंटायर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, कि क्या आप बेनिफिट सामने वाले को दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर वन ऑफ द बेनिफिट्स दैट यू कैन गिव इज हेल्दी रेसिपीज, तो आप अगर बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज बना रहे हो तो सामने वाले को उससे कोई बेनिफिट है। अगर आप केवल प्रोडक्ट का रिव्यू दे रहे हो तो इट्स नॉट बेनिफिशियल टू एनीबडी। तो अपना कंटेंट बनाते वक्त आप ये देखें कि सामने वाले को फायदा होना चाहिए। फायदा जब होगा इंसान को, तो वो या तो वो कंटेंट अपने दोस्तों को भी दिखाएगा या फिर उस कंटेंट को वो सेव करके रखेगा, कि जब वो लेट्स से किचन में है और वो रेसिपी बना रहा है, तब वो सेवेबल कंटेंट विल हेल्प यू, हेल्प देम, एंड इन दैट फ्लो दे विल फॉलो यू। तो अगर आपको अपना फॉलोइंग बढ़ाना है तो सबसे पहली चीज है, आपका कंटेंट ज्यादातर लोगों के पास पहुंचना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए आपका कंटेंट सेवेबल होना चाहिए। सेवेबल कंटेंट हमेशा, हमें भी पता है, जैसे सिद्धार्थ ने बोला कि मैं किसी एक क्रिएटर का कंटेंट देखता हूँ, उससे इंस्पायर हो जाता हूँ और उस तरीके का कंटेंट बनाना शुरू कर देता हूँ। आप अपना कंटेंट इस तरीके से बनाएं कि और बहुत सारे सिद्धार्थ आपके कंटेंट को देखकर इंस्पायर हो, और उस कंटेंट के बेसिस पर आपका अकाउंट बहुत बहुत स्पीड से बढ़ेगा। और अगर इसी कंटेंट से लोग इंटरटेन हो रहे हैं या लोगों को बेनिफिट मिल रहा है किसी भी तरीके का, तो आपका अकाउंट ग्रो हो जाएगा। और बेनिफिशियली कंटेंट बनाने के लिए, जो सेवेबल कंटेंट है या जिस कंटेंट से लोगों को फायदा होता है, ये कंटेंट बनाने के लिए डजंट मैटर कि आपका अकाउंट कल शुरू हुआ है या आपके ऑलरेडी 10,000 फॉलोवर है या 1,00,000 है। आप जिस दिन से भी शुरू करते हैं उस दिन से आप अच्छा कंटेंट और सेवेबल कंटेंट बनाया जा सकता है। और जिस तरीके से श्री ने बताया था कि हैशटैग्स जब आप यूज कर रहे हैं तो स्पेसिफिक तरीके के हैशटैग्स यूज करने, एक थंब रूल और ले लें कि जब आप ज्यादा ब्रॉड हैशटैग यूज करते हो तो उन हैशटैग्स के फॉलोअर्स बहुत सारे होते हैं लेकिन उनसे रिजल्ट नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर आप फोन पर इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे हैशटैग फिटनेस, तो देयर विल बी मिलियंस ऑफ पीपल फॉलोइंग इट। द होल पॉइंट इज कि मिलियंस ऑफ पीपल आर पुटिंग देयर कंटेंट ऑन दैट हैशटैग, तो आपका कंटेंट लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर आप फिटनेस विथ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, लेट्स से हैशटैग न्यूट्रिशन फॉर वेजिटेरियंस, Now, this hashtag can be a hashtag which doesn't have a lot of followers. Again, हम लोग चेक करके नहीं बता रहे, this is just a guesswork. लेकिन अगर इस तरीके का hashtag आप use करते हैं और उस hashtag के ज्यादा followers नहीं है, तो the chances are कि आपका content और ज्यादा relevant लोगों तक पहुंचेगा। तो जब आप hashtag use कर रहे हैं तो इस तरीके का combination बना लें, broad hashtags के साथ साथ majorly highly focused hashtags भी use करें। So
that way your content will be reaching out to more people and at the same time it will benefit a lot of people. And jab wo benefit karta hai, tab Instagram aapko reward karta hai with a lot of followers. I think. Right, thank you so very much for highlighting this point because मैंने ये जरूर देखा है अक्सर लोग क्या करते हैं गूगल पे सर्च किया कि आज का ट्रेंडिंग हैशटैग्स कौन से हैं एंड पीपल स्टार्ट यूजिंग इट राइट सो गुड इनसाइट कि हमें अपनी ऑडियंस को अपने तरीके से समझना चाहिए आयुष आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टू स्पेसिफिक क्वेश्चंस टू बोथ ऑफ यू गाइस पहला क्वेश्चन है कि दिस क्वेश्चन इज मोर टूवर्ड्स द रील्स कॉन्टेंट राइट कि आज के टाइम में रील्स आर वेरी मच हाई और मैं भी अपना एग्जाम्पल देखता हूँ कि इफ आई एम हैविंग अ फॉलोवर्स ऑफ अराउंड 450 राइट वही मैंने कोई रील डाली तो उसकी रीच अराउंड 1300 1400 4000 5000 तक भी मेरी रीच पहुंच जाती है सो व्हाट डू यू गाइस सजेस्ट कि आज के टाइम में यदि हम प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन बना रहे हैं तो कैन वी स्टार्ट मेकिंग रील्स फॉर दैट बिकॉज रील्स की अप्रोच ज्यादा है व्हाट विल बी योर टेक I know a person जिन्होंने अपना अकाउंट 15,000 से बढ़ा के 1.5 लाख से ऊपर कर लिया just because of reels. तो हम क्या हम reels बना सकते हैं? Is not a very good question. The correct question would be कि हमें कितनी reels बनानी चाहिए. See, हर बार हर चीज का एक ट्रेंड होता है. Right now reels are working. आज से 3 महीने बाद maybe reels won't work. Something else will. एक टाइम था जब Instagram पर hashtags भी बहुत ज्यादा काम करते थे. अभी हैशटैग्स का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत कम हो गया राइट सो रील्स इज करेंटली ट्रेंडिंग एंड दैट इज व्हाई मेकिंग रील्स राइट नाउ विल बी वेरी बेनिफिशियल और अब ये रील्स किस तरीके की बनानी है तो उसके ऊपर देयर इज अ वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग अगेन रील इज इन ट्रेंड सिमिलरली देयर आर अ लॉट ऑफ म्यूजिक ऑन द रील्स व्हिच आर ऑन ट्रेंड राइट तो आप ट्रेंडिंग म्यूजिक को अगर यूज करके रील्स बनाते हैं तो इट विल रीच आउट टू मोर पीपल और रील से लोगों की यूजुअली एक्सपेक्टेशन होती है या तो एंटरटेनमेंट या फिर इंफॉर्मेशन तो रील्स या तो एंटरटेनिंग होनी चाहिए अभी फिटनेस को भी आप एंटरटेनिंग बना सकते हैं ब्यूटी को भी बना सकते हैं कुकिंग को भी बना सकते हैं एंड एट द सेम टाइम अगर इन्फॉर्मेटिव बनाना है तो आप इन तीनों पैशन को या चारों पैशन को इन्फॉर्मेटिव भी बना सकते हैं बट यूज ऑडियो फ्रॉम द इंस्टाग्राम ऐप क्योंकि अगर आप वो ऐप से नहीं यूज करते हैं और किसी और ऐप में अपना रील एडिट किया है और उसके बाद उसको पोस्ट कर देते हैं तो इट वॉन्ट वर्क द वे इट शुड बी वर्किंग और हो सकता है कि स्टार्टिंग में जब आप रील्स बनाना शुरू कर रहे हैं तब वो रील्स उतने अच्छे ना बने इट्स नॉट अ प्रॉब्लम इट्स ओके आप ट्राई करते जाएंगे ओवर द पीरियड इट विल इम्प्रूव सो डोंट बैक डाउन फ्रॉम शेयरिंग रील्स जस्ट बिकॉज रील्स अच्छे बन नहीं रहे एंड इसी से रिलेटेड मेरा सेकंड क्वेश्चन राइट हमारे एमवे बिजनेस की जो सबसे मैं कहूंगा कि द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एमवे बिजनेस इज कि कोई भी कर सकता है राइट एनीबॉडी कैन डू दैट एंड द प्लस पॉइंट ऑफ इज कि बीइंग इफ अ हाउसवाइफ यदि आप घर पे रहते हैं हाउसवाइफ भी इस बिजनेस को कर सकते हैं इफ यू आर अ शॉपकीपर यू कैन ऑल्सो डू दैट सो मेरा जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इफ आई जस्ट एग्जाम्पल आया था कि एक हाउसवाइफ है वो साधन घर पे रहते हैं सिंपल हाउस होल्ड जॉब करते हैं वो क्योंकि वो बाहर नहीं निकल सकते राइट तो वो किस टाइप का कंटेंट घर में बना सकते हैं व्हाट्स योर थॉट प्रोसेस बिकॉज ये अक्सर लोगों का क्वेरी आती है कि आज के टाइम में जैसे मैंने बोला ना हम एक क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं उनका देखते हैं कि अच्छा अभी वो अपनी शूट किसी बाहर लोकेशन में कर रहे हैं देन दे आर डूइंग इन सम अदर वे सो आज के डेट में मैं पर्सनली इस बात से बहुत ज्यादा होता हूँ क्योंकि लोगों की आप रीच देखते हैं ना कि अच्छा इसके तो इस व्यूज इस ये बाहर किस लोकेशन में गया और यहाँ पे इसके 1.5 लाख लाइक्स है अच्छा यही ये घर पे कर रहा है तो इसके 15 व्यूज है सो समथिंग अराउंड इट सो आई वांट टू अंडरस्टैंड इन दैट वे रूपा मैडम विल अग्री कि घर पे बैठे बैठे बहुत रीच आ सकती है एंड आई थिंक सिड ये जरूरी नहीं है क्योंकि देखो लास्ट 2 साल से हम सभी घर पे बैठे हुए हैं राइट हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं हार्डली हम बाहर गए हैं Now the point is, it is a smart way of planning it. जो housewife भी है, जो घर पे भी है, उनका सबसे important जो अगर मान लीजिए कोई है healthy living में, right? I'm sure कुछ ना कुछ daily activities होता है जो cover हो सकता है और food तो they are masters of food. अगर वो घर के लिए अच्छा न्यूट्रिशन बना रहे हैं अच्छा खाना बना रहे हैं बच्चों के लिए कुछ क्या क्या हम करते हैं मदर्स को मैंने देखा हुआ है बच्चों को सब्जी खिलाने के लिए वो सब्जी को आटे में गूंद के पराठे बना देते हैं राइट
ये एक कंटेंट है, मतलब इसको बस हमें ऐसे सोचना है कि प्रेजेंट कैसे करना है, राइट? यू मेक दैट, यू राइट अबाउट कि मेरे बच्चे नहीं खाते पर ये मेरा एक स्नैक हैक है जिससे मैं कोशिश करती हूँ कि इनका न्यूट्रिशन पूरा हो, इसके साथ साथ मैं ये प्रोडक्ट भी देती हूँ, शायद किड्स प्रोटीन हम यूज करते हैं. सो द पॉइंट इज हाउ डू वी सॉर्ट ऑफ अप्रोच द कॉन्टेंट. बट एक चीज मैं सबको बताना चाहती हूँ, हमें ना जब लगता है कि हमें इतना कॉन्टेंट डालना है, हम सोचे कैसे, हम कैसे इतना प्लानिंग करें, द पॉइंट इज वी डोंट प्लान कि सोशल है जाते जाते खींच लेंगे हम प्लान. ये एक बहुत जरूरी है. एवरी ब्रांड और एनी इन्फ्लुएंसर जो ग्रो करा है, दे हैव ग्रोन बिकॉज दे हैव अ कॉन्टेंट कैलेंडर जो वो प्लान करके रखते हैं. हम भी जब बिजनेस में सुबह, मतलब महीने के जो फर्स्ट वीक होता है, पहला 3 दिन होता है, हम सब बिजनेस प्लानिंग करते हैं, राइट, बैठ के. सोशल इज द सेम थिंग. अगर आप एक हफ्ता, मतलब पहला जो वीक है वहां पे बैठ के अपना कंटेंट कैलेंडर में एटलीस्ट ऐसे लिखोगे कि मेरा 6 पोस्ट अगला इस चीज के बारे में होना है, आपको 1 दिन लगेगा वो सारे पोस्ट बनाने में. तो ये प्लानिंग थोड़ी सी जरूरत है, अदरवाइज आई थिंक दोज हु आर सिटिंग टुडे राइट नाउ एवरीबडी इज सिटिंग एट होम, राइट. माई लास्ट पोस्ट इज अबाउट अ मिडनाइट क्रेविंग दैट आई हैड एंड आई मेड अ टोस्ट विद फ्रूट्स, जो ये पूछ रहे हैं कि घर में जो ये कंटेंट है, एंड दैट इज हाउ यू प्लान योर कंटेंट कि हमें बनाना क्या है, हम सोच के रखते हैं उसके अगेंस्ट, जो रेगुलर आप वर्क करते हो उसके अराउंड बहुत अच्छे कंटेंट बन सकते हैं. यस, अनदर थिंग इज यू नीड टू कीप इन माइंड, एक कॉन्सेप्ट है क्रिएटेड कॉन्टेंट, एक कॉन्सेप्ट है क्यूरेटेड कॉन्टेंट. क्रिएटेड कॉन्टेंट जो है, जो आप शूट कर रहे हो, जिसका इन्फॉर्मेशन आप रिसर्च करके अपना थियोरी बना के आप कॉन्टेंट पोस्ट कर रहे हो. क्यूरेटेड कॉन्टेंट है जैसे दैट इन्फॉर्मेशन इज ऑलरेडी अवेलेबल. कभी कभी न्यूट्रिशन के बारे में बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन रहता है. द ओनली थिंग इज आई वुड रिक्वेस्ट, उसको आप कहीं से उठा के प्लीज छाप मत दीजिएगा, दैट इज कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, कोई किसी ने और डाला है. द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आपको एक छोटा सा पोस्ट बनाना है और क्यूरेट जो ऑलरेडी ये है वो अपने तरीके से लोगों को बताना है. जब आप बैलेंस करोगे वो इजियर हो जाता है. हमेशा इतना कॉन्टेंट सोचना शायद पॉसिबल नहीं होता. सो कीप अ बैलेंस बिटवीन योर ओन कॉन्टेंट एंड क्यूरेटेड कॉन्टेंट, मतलब इंस्पायर्ड कॉन्टेंट जो है. राइट श्री, एंड आई मस्ट से श्री, ये जो पॉइंट्स आज मैंने सुने और समझे है ना, ट्रस्ट मी, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जितने भी हमारी ऑडियंस आज हमें सुन रही है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. श्री लास्ट टू क्वेश्चन, बिकॉज आई नो आई एम स्ट्रेचिंग द टाइम, बट प्लीज आज मौका मिला तो हम ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे. श्री एक ना बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है और वो ये पॉइंट है कि आज के टाइम में ना हम अपनी पोस्ट को बूस्ट करने के लिए we pay for that, right? जिसको हम पोस्ट बूस्टिंग के लिए यूज करते हैं, तो इज इट अ गुड वे, मतलब ये प्रोसेस क्या है, ये ठीक रहता है? बिकॉज आज के डेट में मैं देखा कि स्टार्टिंग 200-300 रुपए से भी हो जाती है, 500 रुपए से भी हो जाती है बूस्ट करने के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट में. तो व्हाट यू गाइस थिंक, मतलब इसको क्या हम यूज कर सकते हैं अपने लिए? सी फ्रॉम एमवेस पर्सपेक्टिव, अगर आप हमारा डीसीएस जो रूल्स ये है, जो सोशल मीडिया हमारे गाइडलाइंस है वो अगर फॉलो करें, तो बूस्टिंग पोस्ट इज समथिंग विच इज नॉट अलाउड. आप पोस्ट इसीलिए बूस्ट नहीं करते, तो अगर हमारे जो लीगल टीम है वो ये मानते हैं कि किसी बूस्टिंग पोस्ट सबके लिए शायद पॉसिबल नहीं हो, राइट, डिपेंडिंग ऑन द मींस, डिपेंडिंग ऑन द मनी इन्वॉल्व. सो हम ये मानते हैं कि सबको सेम अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इट्स अ सेम अपॉर्चुनिटी बिजनेस, तो अकॉर्डिंग टू डीसीएस दिस इज नॉट अलाउड. बट एट द सेम टाइम आई वुड वॉन्ट टू सजेस्ट और आई वुड वॉन्ट टू से कि अगर आपके फॉलोअर्स 500 है, 600 है, देर इज ऑलरेडी एक हेडरूम है ऑर्गेनिकली बहुत ग्रो करने की. तो आप पहले वो कोशिश कीजिए कि आप ऑर्गेनिकली कितना ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिकली आपको जो फॉलोअर्स मिलेंगे वो आपके साथ टिके रहेंगे, क्योंकि दे आर द फॉलोअर्स हु आर फॉलोइंग यू बिकॉज दे आर वेरी वेरी दे वॉन्ट टू सी वॉट यू आर डूइंग. वो आपके साथ आके खुद से जुड़े हुए हैं, कोई पुश नहीं है, कुछ भी नहीं है. सो देर इज अ लॉट ऑफ हेडरूम व्हेन यू आर एट अ 400, 300, 500 फॉलोअर्स. It's better to sort of do that. But anyways, DCS doesn't allow us from Ambe to use post-promotion. Thanks, Shri. And यहाँ पर एक और question है, which is very common question. लोग अक्सर ये पूछते हैं कि किस time पर you know post को हमें share करना चाहिए. Is it you know in the evening or in the mornings? Usually एक time आता है कि 7 o'clock करना चाहिए, जो मुझे feedbacks आए हैं. Is there something like that or no?
एक चीज जो मैं फॉलो करती हूँ या फिर व्हाट वी योर आयुष प्लीज आई डोंट डू इट लेटर बट ये जो आयुष बिजनेस अकाउंट के बारे में बात कर रहे थे कि आप बिजनेस अकाउंट में स्विच कीजिए, जैसे आप स्विच करेंगे एक इनसाइट में, इनसाइट में देयर इज अ टोटल फॉलोअर्स, टोटल फॉलोअर्स में क्लिक करने के बाद वहां पे आता है कि आपका, आपके जो खुद के ऑडियंस है वो किस टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिव है। जैसे आई टेल यू, अभी जब सेशन चल रहा था, जैसे मेरा ऑडियंस 6 बजे बहुत एक्टिव है, और बाय जब आयुष सेशन ले रहे थे तो मेरे ड्राफ्ट में एक रील सेफ था जो कि मैंने पोस्ट किया, बिकॉज आई थॉट दैट द, क्योंकि मैं उस टाइम पे करूंगी, मेरा ऑडियंस सबसे ज्यादा उस टाइम पे लाइव होता है। सो यू कैन चेक योर इनसाइट्स, यू कैन चेक योर इनसाइट कि आपके उसमें आपके ऑडियंसेस ज्यादा, क्योंकि आपके ऑडियंसेस आके पहले देखेंगे, द मोमेंट मोर पीपल सी इट इट एनीवेज गोइंग टू रीच आउट टू अदर पीपल। सो इट्स इंपॉर्टेंट, चेक योर हाइलाइट्स, चेक योर इनसाइट्स, और उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। जब आप इनसाइट्स चेक कर रहे हैं, वन थिंग दैट यू नीड टू पे अटेंशन टू इज, अगर आपकी इनसाइट बोलती है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ट्यूसडे को सुबह 9:30 बजे ऑनलाइन होते हैं, तो आपको 9 बजे से पहले पोस्ट करना है, मतलब 9:45 बजे या 9:50, 9:55 पे। रीजन बीइंग ताकि जब वो लोग आप उनका इंस्टाग्राम खोले तो आपका पोस्ट सबसे ऊपर हो। नाउ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्रोनोलॉजी डजंट वर्क, बट दिस इज अ सिंपल हैक, एंड एवरी प्रोफाइल हैज अ डिफरेंट टाइम। तो हो सकता है कि सिद्धार्थ के लिए जो प्रोफाइल का जो सिद्धार्थ के फॉलोवर्स जिस टाइम पर ऑनलाइन आते हैं उस टाइम मेरे फॉलोवर्स नहीं आते होंगे, या मेरे फॉलोवर्स जब आते तब श्री के नहीं आते होंगे। सो इट इज वेरी टेलर्ड टू ईच प्रोफाइल, एंड वेन एवर यू आर पोस्टिंग, पोस्ट एग्जैक्टली बिफोर द टाइम विच शोज दैट देर इज मैक्सिमम ऑनलाइन ऑफ योर फॉलोअर्स, मैक्सिमम ऑनलाइन एक्टिविटी ऑफ योर फॉलोअर्स। आयुष, मुझे जो पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया सोशल मीडिया का, दैट इज एग्जैक्टली द सेम जो हम लाइफ में जी रहे, राइट? हम जितने लोगों से मिलते हैं हम उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। दैट व्हाट एम्वे डू, दैट व्हाट एम्वे डिस्ट्रीब्यूटर्स डू, कि उनकी जो कस्टमर्स मिल रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। एंड दिस इज द सेम वे जो हमारी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, विच इज सोशल मीडिया डू, कि हमें हमारी ऑडियंस किस टाइप पे हमसे एंगेज हो रही है, दैट इज द राइट टाइम टू एंगेज विद देम, राइट? सो थैंक यू सो मच आयुष एंड श्री, आई कैन से दैट इट्स अ अमेजिंग क्वेश्चन, अमेजिंग प्रोग्राम, और अभी तक का मैं कहूंगा कि मोस्ट एंगेजिंग चैट बॉक्स प्रोग्राम रहा है, क्योंकि चैट बॉक्स में आज मुझे लगता है कि पोल्स शायद नहीं चले बट चैट बॉक्स हिट हो गया, राइट? सो आई थिंक हमें आगे से इसी को ही यूज करना होगा। एंड कौतक, थैंक यू सो मच फॉर दिस आइडिया। सो बिफोर गोइंग, बिफोर रैपिंग दिस प्रोग्राम, ऑल्दो आई नो हम यंगस्टर्स से बात कर रहे हैं, हम स्क्रीन टाइमिंग की बात करते हैं कि स्क्रीन टाइमिंग ज्यादा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, बट अभी जाना नहीं है, अभी कुछ अनाउंसमेंट्स है। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू थैंक आयुष एंड श्री, थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग अप टू दिस प्लेटफॉर्म, और जरूर मैं चाहूंगा कि हम इस वर्कशॉप के बाद एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे। मुझे लगता है कि वर्कशॉप मुझे एक इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन सेशन हुआ है, डेफिनेटली दिस विल गोइंग टू हेल्प आवर U35, राइट? यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा हेल्प होगी, और उसके माध्यम से मैं ये जरूर सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, राइट? और आयुष, एक एक फीडबैक जो मैं आपसे चाहूंगा कि आप हमारे यंगस्टर्स को जरूर बोल के, श्री यू टू, राइट? यंगस्टर्स आर वेरी प्रोएक्टिव, राइट? उनके अंदर ना बहुत ज्यादा होता है कि आज शुरू किया आज हो जाएगा, राइट? और डिसहार्टन भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, और काम शुरू करके जल्दी छोड़ भी देते हैं। सो यू गायस आर हैंडलिंग सोशल मीडिया, यू गायस आर डूइंग जॉब इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आपका क्या स्टेक है इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग, की कितना समय हमें अपना देना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर सोशल मीडिया थिंग? बिकॉज बहुत सारे लोगों के माइंड में होता है कि अच्छा, हमारा तो फुल टाइम बिजनेस कुछ और है, उसके बाद हम साथ में वी आर डूइंग एम्बे ऑल्सो, सो अब हम सोशल मीडिया को भी ऐड कर देंगे, हम टाइम को कैसे मैनेज करें? सो दिस पॉइंट डायरेक्टली कम्स टू यू गाइस, कि आप कुछ बताना चाहेंगे कितना टाइम हमें अपने सोशल मीडिया के लिए देना चाहिए, सो दैट वी कैन स्टार्ट मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन। एटलीस्ट सो आप अगर दिन का 15-20 मिनट आप लोग सोशल मीडिया पर वैसे भी स्पेंड करते ही हैं मिनिमम,
on a general basis, people usually spend anywhere between 1.5 hour to 3 hours on social media. तो जब आप वो चीज कर रहे हैं तभी आप अपना अकाउंट भी ग्रो कर सकते हैं. सो व्हेन यू आर वेस्टिंग टाइम यू विल बी एबल टू यूटिलाइज टाइम एट द सेम टाइम. एंड देन सेकंड पॉइंट इज कि हाउ मच टाइम यू शुड गिव फॉर योर सोशल मीडिया टू एक्चुअली स्टार्ट शोइंग रिजल्ट. दैट वुड बी एटलीस्ट 3 to 6 months. उससे पहले नहीं आ सकता. एंड 6 महीने में भी इट्स अ स्लो प्रोसेस, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस एंड इट विल ग्रो. बट एक बार आपने जब वो 2000-3000 का मार्क क्रॉस कर लिया उसके बाद इट विल बी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. लेकिन स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट कर रहे हैं 10-20 लोगों से तब इट विल टेक टाइम एंड यू विल हैव टू गिव इट टाइम. इट्स लाइक व्हेन यू गो टू अ न्यू सिटी, जब आप किसी नए शहर में सेटल होते हो तो पहले से ही आप वहां के सबसे फेमस इंसान नहीं बन जाते. पहले आप अपने नेबर्स से मिलते हैं, 10-20 जनों से मिलते हैं, फिर अपनी सोसाइटी से मिलते हैं, फिर अपने एरिया से मिलते हैं. And eventually, if you are good, and I assume everybody on this call is good, eventually, जाके वो लोग अपने-अपने शहर के मेयर बन जाते हैं. So, social media पर अगर आपको मेयर बनना है, तो थोड़ा टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा. Thank you so much, Ayush. Thank you so very much for this wonderful answer. And any closing remarks from you, Shri? Because I always want your ending remark. क्योंकि जब आपके remark देख जाते हैं, तभी हमारा next episode आता है. तो श्री, last remark from you. I think, you know, before remark, I would just want to say that ये बहुत ही ज़्यादा interactive session हुआ है. I have never seen this much of interaction and a constant interaction on chat so easily. So I think this group is, whoever has been the participants today, बहुत ही ज़्यादा active है और interested भी है. Couple of things, yes, please take your time. Please be consistent in what you do. Have a plan for yourself. मतलब मैं करने के लिए दो चीज है कि मैं बस शुरू कर दूं. Yes, ज्यादा सोचना नहीं है. Please, social में अगर आप start नहीं किए हैं, started. क्योंकि एक दिन में आप सब कुछ नहीं सीखेंगे. हम भी सीख सीख के कर करके हम सब जितने भी लोग यहाँ पे वैसे ही सीखे हैं. सो स्टार्ट ऑफ, ये ज्यादा होता है ना कि अच्छा लोग क्या बोलेंगे, ये अच्छा है नहीं है. जस्ट स्टार्ट ऑफ योर जर्नी बट हैव अ प्लान फॉर योर सेल्फ. मतलब वो जो चेकलिस्ट है ना कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, पैशन कैसे क्रिएट करूँ, इनका ज्यादा से ज्यादा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए. एंड आई वॉज सीइंग दैट देयर वॉज समबडी हु हैड रिटन ऑन द चैट बॉक्स कि एज अ टीनेजर 2-2.5 घंटे बिताना चाहिए और इतना टाइम तो समझने होगा. जस्ट कीप अ बैलेंस बिटवीन आप किस टाइम पे कितना टाइम किस पे स्पेंड कर रहे हो. इट इज बेटर टू फोकस ऑन योर ग्रोथ ऑन सोशल मीडिया देन जस्ट कंज्यूमिंग कॉन्टेंट. तो इसका थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना. यस सिड, आई थिंक अदरवाइज इट हैज बीन अ फैंटास्टिक इंटरेक्शन सो फार. राइट एंड यस. सो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपके कोई भी पॉइंट्स मिस हो गए बाय एनी चांस कि आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आया कि बायो कैसे बनानी है या कमेंट कंटेंट किस तरीके का होना चाहिए, तो आयुष ने वो हर एक पॉइंट को ऑलरेडी हाईलाइट किया है. दिस प्रोग्राम विल बी लाइव फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स ऑन अ यूट्यूब चैनल विच इज लाइव स्ट्रीमिंग, जिसका आपके पास लिंक भी आया होगा. 24 आवर्स है, उसे आप देख लीजिए एक बार, उसके बाद हम उसको प्राइवेट कर देते हैं बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज. बट अगेन थैंक यू सो वेरी मच. बट अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ. आई वॉन्ट टू अनाउंस फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म. पहली चीज, ये जो वर्कशॉप है, ये पहली वर्कशॉप है, सोशल मीडिया वर्कशॉप, जो कि हमारे युवा वे की पहली वर्कशॉप है. मैं जरूर चाहूंगा कि आपके पास जहां से भी इसका लिंक आया, फ्रॉम योर अपलाइन, फ्रॉम योर अकाउंट मैनेजर्स, डू शेयर योर कमेंट्स एंड फीडबैक. दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू इज, जो आपके पास मैसेज आया था उसके नीचे एक लिंक भी है. दैट लिंक इज पर्टिकुलरली हमारा गूगल फॉर्म का है. उसको जरूर प्लेस कीजिए, उसको जरूर भरिए, ताकि हम आपके साथ एक इंटरेक्टिव सेशन रखें. नेक्स्ट टाइम जो वर्कशॉप होगी हमारी, हम आपको उसका लिंक आपके उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे देंगे. एंड आयुष, इफ यू कैन शेयर योर इंस्टाग्राम आईडी इन द चैट बॉक्स, सम पीपल आर आस्किंग फॉर दैट. सो या, काफी रिक्वेस्ट आ रहे हैं, बट आई थिंक let me cover this. मैं अकाउंट को केवल पर्सनल यूज के लिए यूज करता हूं. आई एम रियली सॉरी अबाउट सो यस. सो लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर आर सो मेनी, बहुत सारे. आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं. आप एम्बे इंडिया ऑफिशियल चैनल को फॉलो करें, राइट, वहां पे आप देखेंगे हम बहुत सारी रीपोस्ट करते हैं.
राइट हम बहुत सारे हमारे जितने भी लीडर्स है जितने भी कंज्यूमर्स है उनकी हम पोस्ट को रिपोस्ट करते हैं, कभी स्टोरीज में होता है कभी पोस्ट में होता है. सो डू स्टार्ट फॉलोइंग देम बिकॉज एटलीस्ट आपको एक डायरेक्शन जरूर मिल सकता है कि अच्छा बीइंग अ एमवे एमवे यूजर एमवे कंज्यूमर एमवे सेलर आप किस तरीके का कंटेंट एक स्लाइटली का सैंपल आपके सामने आ सकता है. एंड यस मैं जरूर कहूंगा कि ओके रवि जी ने ऑलरेडी गूगल फॉर्म शेयर कर दिया. ओके सो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि गूगल फॉर्म भरिए, गूगल फॉर्म के थ्रू आप हमारे साथ कनेक्टेड हो जाएंगे, हमारी कम्युनिटी जो कि U35 कम्युनिटी में आप एंटर कर जाएंगे एंड दैट विल बी वर्कशॉप्स होंगी डे बाय डे. राइट ऑल्सो अब मैं यहाँ पे हमारे टीम की यंगेस्ट एंड द कूलेस्ट पर्सन को इन्वाइट करना चाहूंगा. आई वुड लाइक टू कॉल यंगेस्ट चैंप शिमाली गाजी जो कि आप सभी के साथ यहाँ पर शेयर करेंगी कि किस तरीके से, क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कि अनाउंसमेंट इतनी ही नहीं है, अनाउंसमेंट में और भी बहुत कुछ है श्री के लिए तरफ से, क्योंकि आज श्री यहाँ पे हमारी तरफ से आए हैं तो श्री विल ऑल्सो हैव अ वेरी ग्रेट कॉन्टेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू. तो पहले शिमाली मैं चाहूंगा कि जो हमने हैशटैग डिजाइन किया है उस हैशटैग के बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि वो हैशटैग क्या है और जब हम उसके सोशल मीडिया पे जाएंगे यानी कि इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो आज के सेशन को हम किस तरीके से वहां पर हाईलाइट कर सकते हैं कि आई विल बी द पार्ट. सो ओवर टू यू शिमाली. थैंक यू सो वेरी मच सिद्धार्थ. श्री थैंक यू सो मच. आयुष लवली सेशन. आई कैन रीड द कमेंट्स. इट्स लवली. चैट बॉक्स पूरा फुल है. क्वेश्चंस आपने सारे बहुत अच्छे से लिए हैं. एंड मेरा नाम शिमाली गाजी है जैसे सिद्धार्थ ने बताया. मैं आपके साथ हैशटैग डिस्कस करने वाली हूँ. हैशटैग के बारे में पहले थोड़ा सा बता देती हूँ कि हैशटैग क्यों इम्पोर्टेंट है पर्टिकुलरली हमारे इस युवा वे के लिए. हैशटैग एक इसको कैटेगरी देगा, डिस्कवरेबल करेगा. कभी भी आपकी पिक्चर जो आप सोशल मीडिया पर डालेंगे, वीडियोस डालेंगे, उसमें हेल्प करेगा आपकी भी पिक्चर को ढूंढने में. कभी कोई सर्च करेगा युवा वे, हमारा सारा कंटेंट अवेलेबल होगा. सो मैं हैशटैग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ चैट बॉक्स में भी. इट्स सिंपल. जो हमारे प्रोग्राम का नाम है द युवा वे, वही हमारा हैशटैग है और वही हमें सारी वीडियोस जो भी अभी श्री आपको कॉन्टेस्ट बताने वाली है उसको भी करते हुए आपको उस हैशटैग का यूज जरूर करना है. कभी नहीं भूलेगा हैशटैग वो यूज करना, नॉर्थ मार्केटिंग वन को टैग करना. एंड आई एम शेयरिंग द हैशटैग इन द चैट बॉक्स. आप उसको कॉपी पेस्ट करके कहीं आप नोट्स में रख सकते हैं, नोटपैड में रख सकते हैं, आप अपने व्हाट्सएप में रख सकते हैं. आई होप आई एम जस्ट टाइपिंग. अभी आप सभी के पास ये हैशटैग आ गया होगा, हैशटैग द युवा वे. सभी हमारे स्मॉल लेटर्स में है. सॉरी टू डिस्टर्ब यू हियर शिमाली, जस्ट अपडेट कि यही हैशटैग यूट्यूब चैट बॉक्स पर भी जाने वाला है. तो जो हमारे पार्टिसिपेंट्स यूट्यूब पर भी जुड़े हैं उन्हें भी ये हैशटैग क्लियरली दिखेगा एंड यू कैन यूज दिस. ओवर टू यू शिमाली. आप YouTube से भी देख सकते हैं. एंड अभी हमने जैसे सिद्धार्थ ने बताया दैट 24 आवर्स तक ये लाइव रहने वाला है. अगर किसी से मिस हो गया है, आई हैव शेयर्ड द यूट्यूब लिंक आल्सो इन द चैट बॉक्स. आप सभी जाइए. सोशल मीडिया ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा ग्रोइंग है. आप अपना एक पर्सनल ब्रांड खुद बना सकते हैं उस पे एंड दैट वुड बी ग्रेट. अगर आज जो भी इंफॉर्मेशन हम सभी ने ली है, यूजर जनरेटेड कंटेंट, अपना कंटेंट कैसे डालना है, एंड आयुष ने इतने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे साथ यूज किए हैं, उन सभी को डेफिनेटली यूज करना है विद द हैशटैग गिवअवे. ओवर टू यू सिद्धार्थ. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच शिमाली. थैंक यू सो वेरी मच. एंड यस Do follow all these things. सबसे पहले पहला काम Instagram पे जाते ही Amway India official channel को जरूर आपको follow करना, because that will keep you engaged कि Amway किस तरीके से तैयार कर रहा है अपने future को, किस तरीके से social media पे. See, मैं ये नहीं कहूँगा कि we reach to the that milestone की जिसपे सब पहुंच चुके हैं. हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीखिए, साथ में बढ़ते हैं आगे, because once we grow together we succeed together, right? So ये हमारा पहली अनाउंसमेंट थी जहां पे हैशटैग द युवा वे आप सभी को मैं कहता हूँ मेक इट अ वायरल थिंग, राइट? अभी जो आयुष ने बोला ना कि हमारा जो सर्कल होता है उस पे हमेशा वो हैशटैग यूज कीजिए जो 12,000-10,000 लोगों को होता है. क्यों ना द युवा वे को बना दें 10,000-12,000 से क्रॉस, राइट? लेट्स मेक इट टुगेदर. और जरूर टैग कीजिए, एवरी पोस्ट शुड बी टैग्ड विद द नॉर्थ मार्केटिंग वन एज वेल एज एमए इंडिया ऑफिशियल को भी आप टैग कीजिए. और इसी के साथ सीखेंगे, देखिए कभी भी रुकेगा नहीं कि अच्छा हमने एक कंटेंट डाल दिया हमें एंगेजमेंट नहीं आ रही. डोंट स्टॉप, कीप पुशिंग योरसेल्फ. शेड्यूल बनाइए,
देखिए आपका जो प्राइम फोकस है वो है कनेक्टिंग मोर एंड मोर पीपल, राइट? दिस इज द प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया इज द प्लेटफॉर्म, फिजिकल मीटिंग इज द प्लेटफॉर्म, ये सभी चीजों को आप करते रहिए. और एम्बे बिजनेस इज ऑल अबाउट ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड लर्निंग न्यू थिंग्स. सो दिस इज द सेकेंड पार्ट, बट द लास्ट पार्ट इज अबाउट द टूडेज कॉन्टेस्ट, राइट? जिसके लिए आज हम अभी तक रुके हुए, मैंने श्री को यहाँ पे रोक के रखा हुआ है, राइट? श्री, हम यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट करने वाले हैं एंड ये एक प्रॉम्प्ट थिंग थी, राइट? कि कॉन्टेस्ट का हमने वो डिसाइडेड येट, बट अभी हमने इसको सोचा कि थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करें. अभी हमने जिन लोगों ने अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे आज के सेशन के बाद अपने आप को ज्वाइन किया है, राइट, यूज द हैशटैग द युवा वे, राइट? और साथ ही साथ श्री, एनी पर्टिकुलर एडिशन यू वॉन्ट टू एड? Yes, Sid, I think we had learned a lot about content today. तो मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया था जो हम लोग सोच रहे थे कि आपने बहुत सारा कंटेंट और स्पेसिफिकली प्रोडक्ट कंटेंट के बारे में सीखा है. सो इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्टेस्ट. व्हाट यू कैन डू इज पिक अप एनी ऑफ योर फेवरेट प्रोडक्ट, उसके साथ आप कोई भी दो प्रॉप्स यूज कर सकते हैं. कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई इसका, अगर आप कुकिंग का कोई कंटेंट शेयर कर रहे हैं तो आपके पास दो, आपका डिश हो सकता है, उसके साथ दो शायद चॉपिंग बोर्ड या और एक कोई प्रॉप हो सकता है. जस्ट यूज टू प्रॉप्स, अपलोड अ फोटोग्राफ. अगर आज आप आज के आज मतलब आज रात 12 बजे से पहले अपलोड कर सकते हैं, देन आर टॉप 5 विनर्स एंड द फास्टेस्ट विनर्स प्रोबेबली, जो बेस्ट कॉन्टेंट होगा, दे आर गोइंग टू गेट एन एक्सक्लूसिव क्रिएटर्स T-shirt. So this is for all our creators, हमारे जो Amway creators होते हैं. बहुत ही सिंपल कॉन्टेस्ट है, कोई भी आप Amway के प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, उसके साथ दो सिंपल प्रॉप्स, दैट्स इट. उसमें हैशटैग जरूर यूज कीजिएगा द युवा वे, ऑल्सो Amway creators आई इन. अदरवाइज आपको ओके, अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग प्लीज रिपीट. मैं काम करती हूँ, मैं जल्दी से यहाँ पे टाइप कर देती हूँ. Yes. I think, Shri, आपको टाइप के साथ साथ वापस रिपीट भी करना पड़ेगा, because again and again so many queries. I'll be requesting you, आप एक बारी जरूर वापस रिपीट भी कर दीजिए. Absolutely. So you need to upload a product picture, लेकिन सिर्फ product picture नहीं, उसके साथ उसको सुंदर बनाने के लिए और social के लिए relevant बनाने के लिए उसके साथ दो prop use कर सकते हैं. For example, अगर आप daily, मान लीजिए Nutrilite daily का photo click कर रहे हैं, उसके साथ शायद side में थोड़ा सा फ्रूट बोल रख के आप एक पिक्चर क्लिक करके डाल सकते हैं. सो दैट जो इतना क्वेश्चन आ रहा था कि हम बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं यूज करना चाहिए, इट्स नॉट अबाउट प्रोडक्ट, इट्स अबाउट इंटीग्रेशन. सो यूज, डोंट यूज मोर देन टू प्रॉप्स. आप फ्रूट बोल के साथ आप कीजिए. अगर आपका खाना है, अगर कुछ खाना है जिसमें आप प्रोटीन मिलाते हो, प्रोटीन डब्बे का फोटो डालना है, सो फूड के साथ मिक्स करके आप डाल सकते हो. स्टोरी या पोस्ट नहीं, ये सिर्फ पोस्ट में है. और हैशटैग्स प्लीज यूज करना मत भूलिएगा. And whoever can upload by 12 today, fastest finger first jinka hai, there will be 5 winners who we will give out Amway creators exclusive t-shirts to. I think aaj is race mein main bhi hunga because I don't have that t-shirt, right? So definitely Shri, thank you so much. So again, रिपीट कर देते हैं आप सभी के सिंपली अगेन, जो अभिषेक ने अनाउंस किया, एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्टेस्ट है. आपको क्या करना है, टेक एन एग्जांपल, कोई भी एम्बे प्रोडक्ट आपको पिक करना है, विच इज योर फेवरेट. और मैं कहूंगा इस समय न्यूट्रलाइट डेली पे ऑफर चल रहा है, राइट? यू हैव दैट ऑफर बॉक्स विद यू. आप न्यूट्रलाइट डेली या कोई भी सप्लीमेंट जो आपके हैंडी अवेलेबल है, उसके साथ उस प्रोडक्ट से रेलिवेंट दो प्रॉप्स रखिए, राइट? जैसा कि श्री ने भी मेंशन किया, उनको पिक्चर को क्लिक करना है. पिक्चर को क्लिक करने के बाद आपको उसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट करना है. स्टोरीज नहीं होनी चाहिए, पोस्ट डालना है और उसमें हैशटैग द एमवे द युवा वे एज वेल एज हैशटैग्स एमवे क्रिएटर्स इन, राइट श्री? यस, एमवे क्रिएटर्स इन. कौतक, इफ यू कैन हेल्प मी अप, आप चैट बॉक्स में दोनों एक ही फॉर्म में लिख दीजिए, हैशटैग द युवा वे, हैशटैग एमवे क्रिएटर्स इन. इसे जरूर कीजिए और एट द रेट जरूर भूलिएगा मत, एट द रेट एमवे नॉर्थ मार्केटिंग वन जरूर टैग करना, नॉर्थ मार्केटिंग वन आप जैसे ही लिखेंगे, बिकॉज दैट विल हेल्प अस इंटरनली टू रीपोस्ट योर पोस्ट एज वेल एज टू गिव यू मोर एनकरेजमेंट. सो आप इसे जरूर कीजिए. और जिनका आज रात 12 बजे तक वो पिक्चर अपलोड हो गया, जो फास्टेस्ट 5 पार्टिसिपेंट्स होंगे, राइट, दे विल गेट
क्रिएटर्स टी शर्ट, राइट? ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है बिकॉज अभी तक ये एक्सक्लूसिव टी शर्ट, एक्सक्लूसिव गिफ्ट हैम्पर बनता है क्रिएटर्स के लिए, और वो इतना लॉन्ग वर्कशॉप अटेंड करके वो टी शर्ट जब पहनते हैं, दे फील प्राउड ऑफ दैट. और आप सोचिए, आज आपके लिए एक बहुत ही फास्टेस्ट रास्ता श्री ने लिया. एंड सो थैंक यू सो मच श्री फॉर कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, गिविंग सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड दैट टू वेरी सिंपल, राइट? क्योंकि सोशल मीडिया की जब भी बात आती है, मेरे पापा तो हमेशा कहते हैं कि अच्छा मुझे तो अभी व्हाट्सएप समझ में आया, तू कहाँ इंस्टाग्राम पे लेके जा रहा है. बट यू आर डूइंग इन अ राइट वे कि किस तरीके से हमें अपना करना है. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोग्राम, दिस इज ऑल अबाउट द शो टुडे. थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स. थैंक यू सो मच द पैनलिस्ट श्री एंड आयुष फॉर कमिंग. एंड आई वुड लाइक टू गिव अ बिग शाउट आउट टू बोथ द चैंप्स हियर, राइट? मेरे यहाँ पर दोनों चैंप्स है, शिवाली गाजी एज वेल एज कौतक सिंह चीमा इज हियर. सो बिग शाउट आउट टू द